الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. और मैंने सूरत है इस लिहाज से कि इसमें तारीख के दो बड़े वाकयात की तलमी है। एक तो असहाबुल उखदूद का वाकया यहाँ बयान किया गया है कि एक बादशाह ने एक गड़ा खुदवाया और उसमें आग पाई, उसके अंदर बैठकर नसारा लेने लगे और तौहीद पर था तो इसके बाद यहाँ बताया गया कि इन रब्बी का लशदीद जो बात यहाँ आई है करो जो जुल्म तारीख में करती रही हैं उसके किस्से आप तक पहुंचे हैं। अब देखिए यहाँ एक तीसरी बात है जो छुपी हुई है उसको आपको समझना है और वो फिरौन ने किया था और जिस तरह हजरत साले अलैहिस्सलात वस्सलाम के साथ समूद की क़ियादत ने किया था हमारा अस्करी की वजह से ये काम किया था। अब एक बात और भी है इसमें कि आज के दौर में और यानी नुज़ूल कुरान के बाद कौन कौन सी ऐसी कौमें दुनिया के अंदर उठी जिन्होंने ताकत के बलबूते पर इंसानों का कत्ले आम किया। ये चंगेज खान और ये जापान पर बमबारी, पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम, गल्फ वार और ये सारी चीजें आप देख रहे हैं तो कुछ काफिर कुव्वतें ऐसी होती हैं और आप देख रहे हैं कि खुद मुसलमानों के अंदर भी ऐसी जालिम कुव्वतें पैदा हुई जिन्होंने इस्लामी तहरीर लोगों को जेलों में डाला। अभी हाल ही में आपने मिस्र के अंदर देखा कि किस तरह अब्दुल फत्ताह असीसी ने अहले ईमान पर जुल्म ढाया और 2-3 हजार से जायद लोग तहतेख किए गए। तो ये एक पैगाम है, एक वार्निंग है इस सूरत के अंदर और पैगाम क्या है, इन बतश रब्बिका लशदीद। तो अब देखिए आखिर में मज़मून आया है कुरान मजीद का कि ये कुरान सिर्फ तिलावत की किताब नहीं है, ये कुरान कोई महज मुकद्दस किताब इस एतबार से नहीं है कि इसको चूम लिया जाए और इसको बोसे दिए जाए, नहीं, बल्कि ये तारीख के नशेब व फराज पर रोशनी डालती है, कौमों के उरूज व जवाल पर रोशनी डालती है और बताती है कि अल्लाह ताला वो अंधा नहीं है, बहरा नहीं है, वो फ़ाल है, वो स्लीपिंग गॉड नहीं है, खुदा सोया हुआ नहीं है, खुदा गैर फ़ाल नहीं है, फ़ालुल लिमा युरीद, फ़ाल है, जो चाहे वो करता है लेकिन वो मोहलत देता है। अब देखिए वो वहां तक तो हम बात कर चुके थे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ هم عليها قعود कि ये जो लोग थे ये उस गढ़े के अतराफ आग वाले और ऊंची जगह पर बैठकर देख रहे थे। وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود और जो कुछ अहले ईमान पर जुल्म किया जा रहा था उसके वो गवाह थे, उसके वो शुहूद थे वो, और उनका जुर्म क्या था, वमा नकमु मिनहुम इल्ला अन युमिनु बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। इनको यानी हुकूमत को गुस्सा क्यों आया था,
हुकूमत का जज्बे इंतकाम गर्म हो गया था। अय्युमिनु बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद, अजीज और जबरदस्त और गालिब हमीद काबिल तारीफ अल्लाह के ऊपर वो ईमान ले आए। यानी तौहीद वो जुर्म है, तौहीद वो जुर्म है जिसके नतीजे में हुकूमतों पर लर्जा तारी हो जाता है, हुकूमत थरथराने लगती है, फिरौन कांपने लगते हैं। नहीं, इसको इन्नल लजीन कालू रब्बुनल्लाह सुमस्तकामु ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जो लोग रब्बुनल्लाह कहते हैं और उस पर डट जाते हैं, इस्तकामत का मुजाहरा करते हैं, तो उन पर ऐसी आफतें आती हैं कि फरिश्ते आकर उनको तसल्ली देते हैं। फरिश्ते आते हैं, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफु वला तहज़नु वाबशिरु बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदू। अच्छा देखिए, अब अल्लाह का तआल्लुक हो रहा है। कौन अल्लाह? पहले तो अजीज और हमीद का कि वो हस्ती यानी जमीन और आसमानों की बादशाहत जिसके लिए है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन शहीद, तो अल्लाह हर चीज पर शहीद है, गवाह है, हर चीज पर को देख रहा है। अला बिकुल्ली शैइन बसीर, हर चीज पर वो कुदरत रखता है, हर चीज का इल्म रखता है, हर चीज पर गवाह है। तो ये कोई अंधा बहरा ला इल्म खुदा नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि वो गाफिल है। इन्नल लजीना फतनुल मुमिनीना वल मुमिना सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीम। अब देखिए, ये जो किस्सा सही मुस्लिम में आया है, जरा मैं मुख्तसरन उस किस्से को बयान कर दूं कि एक बादशाह था और बादशाहों के पास तब दिखाने वाले लोग होते हैं। जादूगर से कहा कि मैं तुझे एक नौजवान लड़का देता हूं, अब तू बूढ़ा हो गया है, तू इसको अपना जादू का इल्म सिखा दे। तो वो लड़का हर बूढ़े जादूगर के पास रोजाना आने जाने लगा और जादू सीखने लगा। तो रास्ते में जादूगर के मकान जब वो जाता था आता था तो एक राहिब का मकान था, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले किसी खुदा तरस बंदे का मकान था और उससे उसकी आशनाई हो गई और वहां से वो मुजाहदा सीखने लगा और उसने तौहीद का इल्म हासिल कर लिया। यहाँ तक कि उस बच्चे की करामात जाहिर होने लगी, वो बच्चा वो अल्लाह का वली बन गया और लोग उसकी जो है तारीफ करने लगे, उसकी शोहरत होने लगी। तो फिर बादशाह को इल्म हुआ कि ये कौन है, तो बादशाह ने फिर वो उसको बुलवाया, मालूम हुआ कि ये तो वही लड़का है जिसको जादू की तालीम हासिल करने के लिए भेजा गया था, लेकिन वो जादू की तालीम हासिल करने के बजाय उसने उस राहिब की तालीमात हासिल कर ली और तौहीद वाला बन गया। तो उसके बाद उसने कहा कि जो इस बच्चे पर ईमान लाता है और जो इसकी दावत तौहीद पर ईमान लाता है उसको मैं आग में दाखिल कर दूं। तो फिर जो है वो आग गड़े खुदवाए गए, आग उसमें लगाई गई और अन्नारी जातिल वकूत जिसके बारे में कहा गया, और ये अतराफ में बैठकर जिंदा मोमिनीन और मोमिनात को जला दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। ये है तारीख का सच्चा वाकया जो सही मुस्लिम में बयान हुआ है और जिसका जिक्र यहाँ कुरान मजीद में। तो अल्लाह ताला यही कह रहा है, इन्नल लजीना फतनुल मुमिनीन वल मुमिनात, बिला शुबा वो लोग जो मर्द और औरत मोमिन थे, साहिब ईमान थे, उनको सताया गया, उनको तकलीफें दी गई, और सुम्मा लम यतूबु, और मरने से पहले उन्होंने तौबा नहीं की, और तौबा किए बगैर ये जालिम मर गए, ये कातिल, ये जालिम लोग मर गए। फलहुम अज़ाबु जहन्नम, ऐसे लोगों के लिए दोज़ख का अज़ाब है। वलहुम अज़ाबुल हरीम, और जैसे को तैसा, यानी अल्लाह बहुत ही इंसाफ करने वाला है, अल्लाह से ज्यादा इंसाफ कौन करेगा। तो चूंकि तुम लोगों ने लोगों को जला के गड़े में मारा था, इसलिए अल्लाह ताला भी तुमको जलाएगा और उनके लिए भी आग का अजाब होगा, अजाबुल हरीक। इसके बरखिलाफ इन्नल लजीना आमनु व अमिलु सालिहात लहुम जन्नतुन तजरी मिन तहतिहल अनहार ज़ालिकल फौज़ुल कबीर, जो लोग ईमान लाकर नेक अमल करेंगे, और यहाँ नेक अमल करेंगे का एक खास मतलब है अमिल सालिहात का, कि उस पर डट जाएंगे, यानी तागूत का मुकाबला करेंगे, बादशाहों का मुकाबला करेंगे,
नमरूद का और फिरौन का मुकाबला करेंगे, चंगेज और हलाको खान का मुकाबला करेंगे, सीसी और मगरबी ताकतों का मुकाबला करेंगे, तो उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे से नहरें बह रही होंगी। और ये है फौज कबीर, ये है बड़ी कामयाबी इन्हें। और उसके बाद वो तंबीह की गई, और यहाँ अल्लाह का जलाल है, इन बख्श रब्बिकल शदीद, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके रब की पकड़ बहुत सख्त है, उसकी गिरफ्त बहुत सख्त है। इन्नहु हुवा युब्दिउ व युईद। अब यहाँ देखिए आखिरत का तसव्वुर बताया जा रहा है कि इंसाफ के लिए आखिरत का होना जरूरी है, उसी ने आगाज किया था और वही इआदा करेगा, यानी वो इब्तिदा करने वाला भी वही है और उसको रेप्लिकेट करने और रिपीट करने वाला। युईद युईद आदा युईदु मुईदुन इआदतुन, तो आयन वाउ दाल इसका मादा है, इसका मतलब यह है कि वो अयादा करता है उसको दोबारा जो है। तो इसका मतलब क्या है कि आखिरत होकर रहेगी और आखिरत का होना ये आयन अकल के मुताबिक है और ये होना जरूरी है, वरना फिर ये फिरौनों को कैसे सजा मिलेगी, नमरूदों को कैसे सजा मिलेगी, और ये बमबारी करने वाले जापान पर और पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम बर्पा करने वालों को सजा कैसे मिलेगी। ये गल्फ वार में इन्होंने इराक के ऊपर कब्जा कर लिया और उसके कुओं पे कब्जा कर लिया और इराक को बांट लिया, कुएं बांट लिए अमेरिका और बर्तानिया ने, इनको सजा मिल के रहेगी। और उसके बाद बताया गया वहुवल गफूरुल वदूद। देखिए पहले तो कहा गया इन्ना बत्श रब्बिकल शदीद, और यहां बताया जा रहा है कि वो गफूर वदूद भी है, गफूर है वो, हमेशा मगफिरत करने वाला है और हमेशा मोहब्बत करने वाला है। यानी ये कातिल और लुटेरे जिन्होंने कई लाख लोगों को मार डाला, ये भी तौबा कर लें तो ये जन्नत में जा सकती। देखिए इसलिए वहां क्या फरमाया ऊपर, सुम्मा लम यतूबु, यानी इन्नल लजीना फतनुल मुमिनीना वल मुमिनात सुम्मा लम यतूबु, यानी मरने से पहले उन्होंने तौबा नहीं की, सुम्मा लम यतूबु, अगर तौबा करके मर गए तो उनके हजार कत्ल भी माफ कर दिए जाएंगे। तौहीद एक ऐसी चीज है, कलिमा एक ऐसी चीज है कि वो सारे गुनाहों को माफ कर देती है, माजी की। तो वो गफूर भी है, वदूद है, वदूद जो है मोहब्बत करने वाला, ये इसमें सिफत है फाउल के वजन पर, गफूर वदूद ये। और जुल अर्शिल मजीद, अर्श वाला है और मशद वाला है, शान वाला है, बुजर्गी वाला है, फाउल लिमा युरीद, यानी जो चाहता है पूरी तरह कर डालता है। देखिए यहाँ फाइल के बजाय फाउल कहा गया, इसमें मुबालगा इस्तेमाल किया है, वो कर सकता है, कर डालता है, कोई उसकी राह में रुकावट नहीं है, कोई उसको उसके इरादे से बाज नहीं रख सकता, फाल है ना, जो चाहता है कर डालता है। अब ये असाबुल उखदूद का किस्सा भी बयान कर दिया गया, रसूलुल्लाह सल्लम को तसल्ली भी दी गई कि कुरैश के मजालिम भी बिल्कुल इसी तरह हैं जिस तरह इन बादशाहों ने किया था। अब इसके बाद पूछा जा रहा है, अय मोहम्मद सल्लम हल अताका हदीसुल जुनूद, क्या आपके पास यानी लश्करों का किस्सा पहुंचा है, सच्चे वाकयात तारीख के पहुंचे, फिरौन व समूद, फिरौन के लश्कर, समूद के लश्कर। अब देखिए फिरौन का जमाना तो है 1300 कबल मसीह, और कौम समूद का जो जमाना है वो तकरीबन 2500 कबल मसीह, यानी दोनों के दरमियान 1200 साल का फासला है। और कौम समूद के पैगंबर हैं हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, और कौम फिरौन की तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया था। दोनों के लिए यहाँ सबसे अहम लफ्ज क्या है, जुनूद। देखिए आप जुनूद को नजरअंदाज करेंगे तो सूरत समझ में नहीं आएगी, जुनूद असल चीज है। फिरौन, फिरौन का गर्रा क्या है सुन लीजिए, ये अब ये ट्रंप कालों को सफ़े हस्ती से अमेरिका से मिलाना मिटाना चाहता है ना, ये स्पेनिश कौम को जो है दीवार उसने मेक्सिको के पास तामीर कर दी, क्यों, वो रेसिस्ट है, उसको खतरा है कि वाइट रेस कम हो जाएगी, अमेरिका में गोरे जो हैं वो 60% रह हैं इस वक्त और 10-15 साल के अंदर ये 50% से कम हो जाएंगे, इसलिए इनको खतरा लगा हुआ है, इनको खतरा लगा हुआ है, इसलिए ये जो है नस्ल कुशी करना चाहते हैं। तो ये देखिए आप अपने जमाने के फिरौनों को देखिए और अपने जमाने के जो कौम समूद की लीडरशिप है उसको पहचानिए। कुरान को इस तरह पढ़ लेने से कुरान फहमी हासिल नहीं हो सकती, बलिल्लज़ीना कफ़रू फ़ी तकज़ीब। अब यहां से
मज़मून पलटता है, यानी अब ये कुरैश की तरफ आ रहा है। ये हमारे जमाने के ऊपर कि इनकार करने वाले से बल से पहले कल्ला भी छुपा हुआ है और उससे पहले एक जुमला भी छुपा हुआ है, ये तो बता चुका हूं मैं आपको। देखिए यहाँ, और बल क्या है असल में, बल से कलाम में बल पड़ते हैं, ये याद रख लीजिए। तो जो इनकार करने वाले वो झुटलाने में मसरूफ हैं, बलि लज़ीना कफरू फी तकज़ीब, तो यानी उनको, सुनिए बल से पहले क्या जुमला छुपा हुआ है वो लिख लीजिए कि कुरैश मक्का और आज के दौर के काफिर भी, आज का मगरिब भी, आज का इंडिया भी, आज का मोदी भी, आज का ट्रंप भी, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, बलि लज़ीना कफरू फी तकज़ीब, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बजाय, इस्लाम पे ईमान लाने के बजाय ये कुरान को, आखिरी किताब को, आखिरी रसूल को छुटलाने में मसरूफ और मुनामिक है। तो वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत, तो अल्लाह ताला इनके पीछे से हर, यानी घेरे हुए इनको, इनका इहाता किए हुए, यानी देखिए अब अल्लाह क्या, कौन है, अल अज़ीज़ है और हमीद है और अल्लज़ी लहु मुल्कु समावाती वल अर्द और इन्ना बच्छ रब्बिकल शदीद। अब यहाँ एक नया लफ्ज आ गया है, मुहीत, फ़ाल लिमा युरीद, वो फ़ाल है, सुनिए, वो स्लीपिंग गॉड नहीं है, फ़ाल खुदा है वो, और पूरी तरह इन काफिरों को घेरे में लिए हुए, मगरिब को घेरे में लिए हुए है वो, मोदी को, पूरी इंडिया की आर्मी को घेरे में लिए हुए, चीन को घेरे में लिए हुए है, ये ना समझना। और ये जो अरब के शहजादे हैं जिन्होंने बिलियंस देकर वहां मिस्रियों का खून किया और सीसी को मुसल्लत कर दिया मिस्र के ऊपर, तो अल्लाह गाफिल नहीं है, वमल्लाहु बिगाफिलिन वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत, बल हुवा कुरआनुम मजीद। अब देखिए फिर दूसरा बल है, अब यहां बल से पहले क्या चीज है जरा समझ लीजिए तुम, यानी ये कह रहे हैं कि कुरान को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घड़ लिया है, कुरान शायरी है, कहानत है, जादूगरी है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतकव्विल है और मजनून है, पागल है, नहीं नहीं ये कि मजलूब की बढ़ नहीं है, ये पागल का कलाम नहीं है बल्कि ये मजीद कलाम है। इधर देखिए जरा गौर से, और ऊपर जरा देखिए आप, अल्लाह की एक सिफत आई है जुल अर्शिल मजीद, और यहां कुरान की सिफत भी आ रही है, कुरान भी मजीद, यानी अल्लाह भी अजीमुशान है और कुरान भी अजीमुशान है, अल्लाह का कलाम है ना, अल्लाह के अल्फाज है, अल्लाह कलाम करता है, सुन लीजिए गौर से सुन लीजिए, अल्लाह बोलता है, यानी अल्लाह गूंगा नहीं है, और कैसे बोलता है, कैसे कलाम करता है, जैसे उसकी शान है, खालिक कायनात है, तो ये उसका कलाम है, ये कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है और इसको मिटाया नहीं जा सकता, फी लौहे महफूज, तो ये एक तख्ती पर इसको महफूज कर दिया गया है, एक मकाम है जो अर्श से जमीन के दरमियान, जहां पर ये किताब जूं की तू अपनी असली हालत में महफूज है। तो इस पूरी सूरत बुरुज का हासिल क्या है, सुन लीजिए, क्या है, दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म ढाने वालों, फलस्तीन में, शीशान में और बर्मा में और कश्मीर में और जहां जहां मुसलमान है उन पर जुल्म ढाने वालों, अल्लाह की पकड़ बहुत शदीद है, इन बच्च रबी कल शदीद और वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत, अल्लाह उनको हर तरफ से घेरे में लिए हुए, और ये कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी किताब की हैसियत से नाजिल किया गया है। तारीख से सबक लो, बड़े बड़े लश्कर थे कौम समूद के पास, फिरौन के पास बड़े लश्कर थे, खुद फिरौन का लश्कर था और हामान का एक लश्कर था, जुनूदुहुमा, जैसे बार बार मैं कहता आया, तो ये लश्कर सब पैबंद खाक हो गए और वो जो बादशाह जो गड़े में आग जलाकर अहले ईमान को, मर्द और ख्वातीन को जिंदा जला देता था, जो है वो भी पैबंद खाक हो गया। तो अल्लाह की पकड़ बड़ी शदीद है। तो ये है इस पूरी सूरत का मज़मून। अब आ जाइए सूरह तारिख की तरफ। तो सूरत तारिख छोटी सी, छोटी छोटी आयात, 17 आयात पर मुश्तमल ये एक सूरत है। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी इसका इख्तिताम कुरान मजीद
की सिफात पर होता है। और यहाँ कुरैश के लोगों को यह बताया जा रहा है कि कुरान दिल लगी नहीं है। ये नहीं देखिए, जैसे ये मसखरे होते हैं ना, मजाहिया शायर होते हैं आपके, पूरी कौम को बेवकूफ बनाते रहते हैं। तो कुरान यानी संजीदगी का मुतालबा करता है, संजीदगी का तकाजा करता है। इन्नहु लकौलुन फसल वमा हुआ बिल हजल, ये जो कोई हजलिया कलाम नहीं है, ये संजीदा कलाम है, एक हकीकत है, अल्लाह का कलाम है। ये आपको बताता है कि आप दुनिया में क्यों भेजे गए हैं, आपकी पैदाइश का क्या मकसद है, उम्मत मुस्लिमा क्यों पैदा की गई है, और दुनिया एक इम्तिहान गाह है और मरना है। और ये और उसके बाद हिसाब किताब, यानी पिछली सूरत में जो बात कही गई थी, यहां बताया जा रहा है ये कौल फसल है, फैसला कुन कलाम है, यानी ये दुनिया में गालिब होने के लिए आया है और दुनिया में नाफिज होने के लिए आया है। और ये देखिए, जाहिर है कि एक अरब से ज्यादा लोग, सवा अरब दुनिया की आबादी इस पर ईमान रखती है, लाखों लोग हैं जो इस किताब के हाफिज हैं। तो ये फैसला कुन कलाम है, ये अकीदे की भी किताब है, ये कानून की भी किताब है, और ये खानदानी निजाम के बारे में बताती है, ये हलाल और हराम की भी किताब है, और ये फराइज से भी आगाह करने वाली किताब। चलिए जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वस्समा व तारिक, गवाही है आसमान की, और तारिक रात के वक्त जो रास्ता दिखाने वाला सितारा है उसकी गवाही है। वमा अदराक मत तारिक, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको क्या इल्म कि अत तारिक क्या है, ये रात के वक्त रास्ता दिखाने वाला सितारा क्या है। अन नजमु साकिब, तो ये चमकता हुआ सितारा है, नजमे अन नजमु साकिब है। अच्छा देखिए, यहाँ एक छोटा सा नुक्ता समझ लीजिए, बहुत सारे लोग अपना नाम रखते हैं नजमु साकिब, तो ये नजमु साकिब नहीं रखना चाहिए, अन नजमु साकिब रख लीजिए, या आप नजमे साकिब रख लीजिए। लगाना हो तो दोनों पर अलिफ लाम लगाइए, या दोनों पर से अलिफ लाम आप निकाल लीजिए उस पर। इन खुल्लु नफ्सिल लम्मा अलैहा हाफिज, अब ये देखिए, ये जो है तारीख क्या गवाही दे रहा है, ये नजमे साकिब क्या गवाही दे रहा है, आसमान क्या गवाही दे रहा है कि कोई इंसान ऐसा नहीं है जिस पर कोई हाफिज मुकर्रर ना हो, कोई फरिश्ता कोई निगरानी करने वाला मुकर्रर ना हो। यानी इंसान के आमाल को देखा जा रहा है, लिखा जा रहा है, इंसान इस गलत फहमी में न रहे कि उसके आमाल को नहीं देखा जा रहा है, हाफिज उसके ऊपर मौजूद है, हर इंसान के ऊपर। फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, तो ये लाम अमर है, यहाँ फा के बाद फली यंजुर था दिए, तो लाम साकिन हो गया है, तो इंसान को गौर करना चाहिए, देखना चाहिए कि वो किस चीज से पैदा किया गया। मिम्मा खुलिक, मिम्मा खुलिक, तो यहाँ मिम्मा था, ये असल में मिन मा था, लेकिन आहंग को दुरुस्त करने के लिए मिम्मा में से अलिफ हज़ कर दिया गया, मिम्मा खुलिक कर दिया गया, खुलिका मिम्मा इन दाफिक, तो इंसान को एक उछलते हुए नुतफे से पैदा किया गया, उछलते हुए पानी से पैदा किया गया। देखिए ये अल्लाह ताला का बड़ा अजीब गरीब निजाम है। तो अब यहाँ दलीलें कौन सी है, यहाँ अनफुस की दलीलें, इंसान खुद गौर करे कि उसकी औलाद कैसे होती है, उसके बच्चे कैसे पैदा होते हैं, और मियां बीवी के दरमियान ताल्लुकात कैसे होते हैं, किस तरह जो है अफजाइश नस्ल होती है। तो एक उछलते हुए नुतफे से इंसान की पैदाइश की गई है। अच्छा ये निकलता कहाँ से, तो सुन लीजिए, आमतौर पर हमारे जो कसाई होते हैं ना, वो कहते हैं वो रीढ़ की हड्डी में जो 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 उसको कहते हैं ये हराम मग़्ज़, वो ये समझते हैं कि यहाँ से नुतफा निकलता है, ये बहुत बड़ी गलत है। और न वो स्पाइनल कॉर्ड है, वो स्पाइनल कॉर्ड को हराम मग़्ज़ कहते हैं, हराम नहीं है भाई, कोई हराम नहीं है, वो स्पाइनल कॉर्ड है वो, तो यानी यूं समझ ली कि वो एक रस्सी है जो आपको थामे रखती है। तो अब यहाँ नया इंकशाफ हो रहा है, यखरुजु मिन बैनिस सुल्बि व तराइब, तो ये
यानी सुल्ब यानी पीठ और सीने के बीच में से ये मादा बरामद होता है। ये यानी ये ऐसी चीज है, सुन लीजिए, साइंसदान हैरान हो जाते हैं कि कुरान कैसी कैसी चीजें बता रहा है। ये इनकेशाफात तो आज जुमा जुमा 8 दिन की बात है, अभी हुए है ना, ये 50-100 सालों के अंदर की, कहाँ से नुतफा कहाँ से निकलता है, नुतफा कैसे बनता है। कुरान ने आज से 1440-45 साल पहले, कोई 1500 साल पहले ये बात बता दी कि ये इंसान का जो माते मनविया है वो पीठ और सीने के बीच में से निकलता है। और इन्नहू अला रजअही लकादिर, इन्नहू का मतलब यहाँ अल्लाह ताला है, हू की जमीर अल्लाह ताला की, बिला शुबा अल्लाह ताला इंसान को दोबारा पैदा करने पर कादिर है। जरा गौर से बात को जरा समझिए कि यानी कौन सा खुदा, सुनिए, जिसने उसको एक उछलते हुए मादे से पैदा किया, एक हकीर नुतफे से पैदा किया, माए दाफिक से पैदा किया, वही खुदा ये कादिर है, कुदरत रखता है कि उसको दोबारा पैदा करे। अब देखिए यहां पर आसमान की गवाही है, इधर देखिए आसमान की गवाही और नजमे साकिब की गवाही है, तारीख की गवाही है, क्या है कि हर इंसान के आमाल की निगरानी हो रही है, फरिश्ते मुकर्रर हैं और कयामत के दिन बासपुर्स होगी। तो अब दलील कहां से, अनफुस की दलील आ गई, नुतफे की दलील आ गई, वहां से ये बात बता रही है कि ये मामूली नुतफा, आप 6 फीट का हो गया, बड़ा इंसान हो गया, अब ये फिरौन बन गया, ये नमरूद बन गया, ये ट्रंप बन गया, ये अमेरिका बन गया, और ये हलाको खान बन गया, ये मोदी बन गया। तो इसको अब दोबारा जो है पैदा करने पर पूरी कुदरत रखता है। और उस दिन क्या होगा, यौम तुबला सराय, उस दिन खुफिया चीजों की जांच पड़ताल होगी। तुबला, तुबला जो है ये फेले मजहूल है, यानी उसको उसकी जांच पड़ताल होगी उस दिन। यानी वो फरिश्ते क्यों मुकर्रर है, इन कुल्लु नफ्सिन अलैहा हाफिज, जो जो कहा गया हाफिज है ना, निगरान मौजूद है, वो लिख रहे हैं, और वो सिर्फ जाहिरी अमाल ही नहीं लिख रहे हैं बल्कि वो नियतों को भी देख रहे हैं। सरायर, नियतें क्या थी, यानी मुनाफिक था कोई, बजाहिर नमाज पढ़ रहा था, बजाहिर रोजे रख रहा था, बजाहिर जकात दे रहा था, बजाहिर उसका नाम अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान था, लेकिन अंदर से वो पूरा पक्का पक्का मगरिब ज़दा आदमी था, मगरिबी एजेंट था वो। तो उस दिन खुफिया चीजों की जांच पड़ताल होगी, यौम तुबला सराय। देखिए इसको जोड़िए वहां सूरह बकरा के आखिर में क्या कहा गया, इन तुबदू माफी अनफुसिकुम औ तुफू युहासिबकुम बिही, कि तुम जाहिर करो जो अपने सीने में है या तुम उसको छुपाओ, इन तुबदू या औ तुफू युहासिबकुम बिही, अल्लाह ताला इसका मुहासबा करके रहेगा, युहासिबकुम बिही। वही बात यहां कही जा रही है, यौम तुबला सराय फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर, तो अल्लाह के मुकाबले में कोई कुव्वत नहीं होगी। अब देखिए तौहीद का मजमून है, कोई नबी, कोई रसूल, कोई फरिश्ता, मंजल्लज़ी यशौ इंदा, कोई नासिर नहीं होगा, कोई शाफे नहीं होगा। और मैं बार बार मैं बता चुका हूं कि शफात क्या है, अल्लाह के हाथ में, किसी इंसान की, किसी मखलूक के हाथ में शफात नहीं, यानी वलिल्लाहि शफाअतु जमीअन, ये याद कर लीजिए सूरह जुमर की आयत नंबर 44 याद कर लीजिए, शफात का सारे का सारा निजाम वो अल्लाह के हाथ में। शफात क्या चीज है, वो अल्लाह की रहमत है, कयामत के दिन अल्लाह ताला अदल भी करेगा और रहमत का मुजाहरा भी करेगा। अब देखिए ये अब यहाँ एक पैराग्राफ खत्म हो गया, और पहले जो कस्में आई थी किसकी आई थी, वो आसमान की, और किसकी आई थी कस्में, तारीख की और नजमे साकिब की आई थी। तो और उसकी उसका जो है मदलूल क्या था, दलील का मदलूल क्या था, कि तुम्हारे ऊपर निगरान मुकर्रर है, निगरान मुकर्रर है। अब यहां पर सुन लीजिए ये दो कसमें आ रही हैं, जरा इसको, ये कसम क्या होती है लिख लीजिए कापी में, अक्सामुल कुरान असल में दलाइल कुरान, तो वस्समाई जातिर रज गवाही है लौटाने वाले आसमान की, गवाही है लौटाने वाले आसमान की, वल अर्दी जाती सद,
और गवाही है उस जमीन की जो फट पड़ती है। सदर। अच्छा, अब ये दो कसमें हो गई ना, एक आसमान की एक जमीन की कसम हो गई, एक आसमान की गवाही एक जमीन की गवाही है। साबित क्या करना मकसूद है, ये है इन्नहु लकौलुन फसल वमा हुआ बिलहसल। इधर देखिए, जरा जरा मुश्किल चीज है, मैं समझाता हूं। देखिए अक्सामुल कुरान को जरा समझ लीजिए, ये यानी आखिरी पारा बहुत मुश्किल है, इसीलिए थोड़ा वक्त लग रहा है हमारा, लेकिन इसको बर्दाश्त कीजिए। ये सूरह बकरा की तरह आसान सूरतें नहीं, आखिरी सूरतें मुश्किल होती हैं। और मैंने बार बार ये बात बताई है कि हाथी का ऑपरेशन बहुत आसान होता है और चींटी का ऑपरेशन बहुत मुश्किल होता है, और ये बलागत का शाहकार है। ये जो आखिरी पारा है, आखिरी 37 सूरतें हैं, ये बहुत ही कॉम्पैक्ट हैं, वजीज हैं, बलीग हैं, बहुत गाढ़ा कलाम है ये। इसमें एहकाम ही एहकाम है, एहकाम यानी गठी हुई और गाढ़ी गाढ़ी कॉन्सेंट्रेटेड इसमें आयात है। अब देखिए, आसमान के बारे में कहा गया, उसकी एक सिफत बयान की गई कि ये जातुर रज है, जातुर रज है, यानी ये लौटाता है। तो यहां लिख लीजिए H2O साइकिल के बारे में बात की जा रही है, वाटर साइकिल। आपने साइंस में अगर ये चीज पढ़ी होगी कि पानी बुखारात बनकर ऊपर जाता है, फिर वही वहां बादल बन जाते हैं, फिर वही पानी जमीन के आता है। तो एक खास मकदार में अल्लाह ताला ने पानी रखा है इस कायनात में, वही रिसर्कुलेट होता है, रिसाइकिल होता है। इसको साइंस की जबान में इसको कहते हैं H2O साइकिल। अच्छा, जमीन की एक सिफत बयान की गई कि जमीन फट पड़ती है। अब होता क्या है, देखिए कि ये जो मई और जून के महीने होते हैं, इसमें बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत गर्मी पड़ती है, और जमीन फट जाती है, और यूं समझिए कि वो मुंह खोल के कहती है कि बारिश चाहिए। और इधर देखिए, वो मुंह खोल कर कहती है, वो मुंह खोल कर कहती है कि मैं माँ बनना चाहती हूँ, और वो बारिश के लिए, बारिश को कबूल करने के लिए तैयार होती है, और वो फट पड़ती है ना, तो उसमें शिगाफ पड़ जाते हैं, और बारिश के बाद वो सारे शिगाफ भर जाते हैं, और उसके बाद फिर अगले साल यही होता है। तो ये मौसम बदलते रहते हैं और जमीन सैराब भी हो जाती है। तो ये क्या, ये दोनों क्या कह रहे हैं, आसमान क्या कह रहा है ये रुजू करने वाला, और अच्छा ये जो लौटाने वाला आसमान जो बारिश बरसाता है मुख्तलिफ मौसमों में, और ये फटने वाली जमीन, ये दोनों क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं इन्नहु लकौलुन फसल, ये कुरान एक फैसला कुन कलाम। अच्छा, ये इसके नतीजे में क्या होता है, ये बारिश बार बार जब होती है और जमीन बार बार फटती है, हर साल फटती है, इसके नतीजे में क्या होता है, पैदावार होती है और लोगों को यानी जमीन सरसब्ज़ और शादाब होती है, फसलें लहलाती हैं और इंसान रिस्क पाते हैं। तो अल्लाह ताला ने इन बारिशों के जरिए और इस जमीन के जरिए और इस आसमान के जरिए से जो है एक रज़ाकी का एहतमाम किया है। तो अब यहां बात क्या बताई जा रही है, जरा नोट कर लीजिए कि ये जब कुरान आ रहा है अल्लाह की तरफ से, तो इसके नतीजे में भी दुनिया सैराब होकर रहेगी, दुनिया का फायदा होगा इसमें, यानी ये फैसला कुन कलाम है। वमा हुआ बिल हजल, ये कोई मजाक नहीं है, दिल लगी नहीं है, ये हजल नहीं है, ये एक संजीदा कलाम है। तो अब लेकिन बदकिस्मत है मुसलमान कि वो इस इतनी अहम किताब के बारे में गाफिल है, वो हिफ्ज तो कर लेते हैं, तर्जुमा नहीं पढ़ना चाहते, अरबी जबान सीखना नहीं चाहते, और बस ये कि कोई मर जाए तो फिर कुरान खानी कर लेते हैं ये लोग। तो ये उम्मत मुस्लिमा की क़ियादत का मसला है, उम्मत मुस्लिमा की क़ियादत कुरान से गाफिल है, अरबी जबान से गाफिल है। तो यानी इधर देखिए कि जब जब कुरान की तालीमात दुनिया के किसी भी हिस्से में आम होंगी, उसका लाजमी नतीजा ये होगा कि बाहर आकर रहेगी। लिख लीजिए नुक्ता ये, यानी जब भी कुरान की बारिश होगी, जब भी कुरान समझा जाएगा, जब भी कुरान को समझने की संजीदा कोशिश की जाएगी, उसके नतीजे में फसलें लहलहाएंगी और दिल के फूल खिलेंगे और सीनों की फसल वो लहलहाएगी। अब इसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
को तसल्ली दी जा रही है कि कुरैश के लोग यानी कभी इसको, इस कुरान को क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये मजनून का कलाम है, काहिन का कलाम है, जादूगरी है, और कभी कहते हैं कि ये शायरी है वगैरह वगैरह। इन्नहुम यकीदून कैदा व अकीदु कैदा। तो ये तीन आखिरी जो आयात हैं इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि ये फैसला कुन कलाम अपना रंग दिखा कर रहेगा, दुनिया में तब्दीली आएगी और मुसलमान दुनिया पर छा जाएंगे, ईरान और अफगानिस्तान और खुरासान और अफ्रीका को फतह करेंगे। ये मक्के में ये बात बताई जा रही है, ये जो है एक साजिश कर रहे हैं। इन्नहुम यकीदून कैदा, ये एक साजिश कर रहे हैं, वह अकीदु कैदा, और मैं भी अपनी तदबीर कर रहा हूं, और इस कुरान को लोगों के सीनों में मैं रासिख करूंगा और इसका फैज दुनिया में आम होगा। फमहिलिल काफिरीन, ए मोहम्मद सयासम, इस इन काफिरीन को थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए आप। महिल, फा का मतलब है यहां पर इन हालात में, इन हालात में मक्के के अंदर जब इसकी मुखालिफत हो रही है, तरह तरह की बातें बनाई जा रही हैं, तो काफिरीन को थोड़ी सी मोहलत दीजिए। अमहिल हुम रुवैदा, तो पहले महिल कहा गया और बाद में अमहिल कहा गया, तो ये भी मुतावत के लिए आया है। और महिल असल में बाब तफ़ील से फेले अमर है, और तमहील तमहील, और अमहिल जो है वो बाब इफ़ाल से फेले अमर है, तो दोनों का मतलब एक ही है। और देखिए कितना खूबसूरत आहंग है कि यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि घबराइए नहीं, थोड़ा वक्त दीजिए, ये काफिर जेर हो जाएंगे और ये मगलूब हो जाएंगे और मुसलमान गालिब रहेंगे और कुरान दुनिया के अंदर फैलेगा। ये आखिरी कलाम है, ये संजीदा कलाम है, ये तौहीद की दावत देता है, और ये इंसानों को बताता है कि उनका इस दुनिया के अंदर क्या किरदार होना चाहिए। चलिए जी, यहाँ अब हम आगाज करते हैं सूरतुल आला का, अल आला। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये 19 छोटी छोटी आयात पर मुश्तमल ये सूरत है, मक्की सूरत है, अल आला। इसमें पहले तो देखिए दो बातें जरा आप नोट कर लीजिए और कापी पर लिख लीजिए, मुश्किल है, बहुत मुश्किल सूरत है, बहुत मुश्किल सूरत है, लेकिन आप तवज्जो से सुनिए। पहला, इसमें दो हुक्म है, एक तो सब्बह, ये फेले अमर है, सब्बह, सब्बह का मतलब है अल्लाह ताला की बेऐबी का इकरार करो, अल्लाह बेऐब है, बेनक्स है, उसके अंदर कोई खामी नहीं है, कोई ऐब नहीं है, ना वो सोता है, ना वो गाफिल है, ना वो ऊँगता है, ना वो भूलता है, ना वो गलती करता है, हर ऐब से हर नक्स से पाक है, तो वो अंधा नहीं है, बहरा नहीं है, लाइल्म नहीं है, जाहिल नहीं है, सुबहान है वो। सब्बह का ये पहला हुक्म दिया, और दूसरा जो हुक्म दिया गया दूसरा वो है जख़िर, तस्कीर कीजिए, जख़िर, ये दोनों जो है बाब तफ़ील से हैं, सब्बह यानी तस्बीह कीजिए, जख़िर तस्कीर कीजिए, ये दो अहकाम हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए। अब देखिए, अब यहां अल्लाह ताला की दो सिफात बयान की गई कि अपने रब के नाम की बेअबी बयान कीजिए, अल आला, अल आला। देखिए अल्लाह क्या एक नाम है, अल अली, आयतुल कुर्सी में आप पढ़ते हैं ना, वहुवल अलीयुल अज़ीम, अल अली। तो अब यहां पर अल आला इसमें तफजील, वो सबसे बड़ा है, सबसे बुलंद है, और उलू अल्लाह ताला की एक सिफत क्या है, उलू है, बरतर है, यानी वो मनफी समा आसमान पर, अर्श से भी बहुत बुलंद, सात आसमानों के ऊपर भी है। तो और रब है, आपका रब है, रब कौन है, जो निगहताश करता है, निगरानी करता है, और जो नशोनुमा का जिम्मेदार है, ग्रोथ का जिम्मेदार है, पालता है, पोसता है, जो है सस्टेनर है, प्रोवाइडर है, नरिशर है, रब है वो। तो ऐसे बरतर रब के नाम की बेअबी बयान कीजिए। अब ये इस्म देखिए, आगे हम बताएंगे आपको
पहली वही जो आई थी वो उसमें क्या कहा गया था, इकरा बिस्म रब्बिकल लजी खलक, वहां भी फेले अमर आया था, इकरा पढ़िए, और क्या पढ़िए, इकरा बिस्म रब्बिक, अपने रब के नाम से। तो ये जो इस्म है, और देखिए कुरान में हम पहले क्या पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, अल्लाह का इस्म। तो अल्लाह की मारिफत कैसे होती है, उसके नामों से होती है। इस्म किसकी तरफ दलालत करता है, इस्म किसकी तरफ रहनुमाई करता है, मुसम्मा की तरफ। तो ये जितने जितने अस्माए हुस्ना है, जितने अल्लाह के खूबसूरत नाम है, ये एक सिफत के आईनादार है। तो अल्लाह को समझने के लिए सुन लीजिए, ये जो अल्लाह के नाम है जबानी याद कर लीजिए, और हर इस्म के बारे में आपको पूरी वाकिफियत होनी चाहिए। ये नहीं है, बुखारी में भी और तिर्मिजी में भी और इब्ने माजा में भी मुख्तलिफ अल्फाज से ये हदीस आई है, और नामों के बारे में इख्तलाफ भी है, और कुल ये 138 के करीब नाम है अल्लाह ताला के। और अहादीस में भी कुछ नाम आए हैं, कुछ नाम कुरान में आए हैं। तो इन नामों पर, क्योंकि हम अल्लाह से बात नहीं कर सकते मूसा अलैहिस्सलाम की तरह, अल्लाह को देख नहीं सकते, तो अल्लाह को तो मूसा अलैहिस्सलाम ने भी नहीं देखा था, अल्लाह ताला को तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौके पर भी नहीं देखा था, हालांकि पर्दे के पीछे से गुफ्तगू हुई थी, नमाजें 50 से 5 हो गई थी, लेकिन देखा नहीं था। तो फिर अल्लाह को हम कैसे पहचान सकते हैं, उसके अस्मा के जरिए से। और कुरान में अल्लाह ताला के अस्मा मोतियों की तरह बिखरे हुए हैं, और ये अस्मा एक पूरा इल्म है। अस्मा का जो इल्म है, ये तौहीद की एक खास शाख है, उसके नामों पर, उसकी सिफात पर, तौहीद अस्मा और सिफात कहते हैं, इस पर महारत होनी चाहिए। और ये सारे जो भटकते हैं तौहीद के बारे में, कोई वहदतुल वजूद में पड़ा हुआ है, कोई वहदतुल शुहूद में पड़ा हुआ है, कोई जो है अल्लाह की सिफात को मखलूक की सिफात की तरह समझता है, ये सारी गुमराहियां क्यों पैदा होती हैं, इसलिए कि उनकी तौहीद अस्मा और सिफात बहुत कमजोर होती है। मुसलमानों के अंदर शिर्क पैदा होता है, वो क्यों होता है, वो अस्मा और सिफात का अच्छा इल्म नहीं रखते। अब देखिए यहां पर चार चीजें बताई जा रही है, इसकी वजाहत कल मैंने वहां इज़ा समा उन फतरत और तो वहां मैंने बताई थी, वहां पर या अय्युहल इंसान मा गर्रका बि रब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक फी अय्यि सूरति मा शाअ रक्कबक। अब यहाँ पर चार चीजें देखिए, अल्लाह की तारीफ हो रही है। अच्छा देखिए, अब आगे भी हम देखेंगे वहां सूरह कलम में कि खलक़ल इंसान मिन अलक, देखिए और यहां भी। तो पहले रब का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, बाद में खालिक का लफ्ज आ रहा है। देखिए हालांकि यानी अल्लाह ने पैदाइश पहले होती है, उसके बाद पालना पोसना बाद में होता है ना, लेकिन हमने देखिए जैसे हमने अपनी माँ को देख, हमने अपनी माँ को नहीं देखा कि हॉस्पिटल में जब वो हमें पैदा कर रही थी, हमने नहीं देखा ना, लेकिन हमने अपनी माँ को खाना खिलाते हुए याद है कि उसने खाना खिलाया था और नहलाया था, कपड़े बदले थे, ये याद है हमें, उसकी रुबूबियत याद है, माँ कितने प्यार से हमें खिलाती थी, लेकिन कि वो किस मुश्किल से उसने पैदा किया वो हमने नहीं देखा। 9 महीने हम पेट के अंदर थे, हमें क्या पता कि किस किस तकलीफ से वो गुजरी। तो हमेशा कुरान मजीद में होता यह है, रब का लफ्ज पहले आता है, उसके बाद खालिक का लफ्ज आता है। हालांकि तरतीब में क्या है, इसमें तरतीब इसको उलट दीजिए, चूंकि वो खालिक है और चूंकि वो रब है, इसलिए उसके नाम की तस्बीह बयान कीजिए, उसकी भी आयत बयान कीजिए। चलिए जी, तो चार चीजें होती है, एक तखलीक है, एक तस्किया है और एक तकदीर है फाहदा। और मैंने वो बताया था आपको सूरह ताहा की जो आयत है कि अल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खल्क़हु और सुम्मा हदा, ये बहुत अहम आयत है। उसने हर चीज को डिजाइन किया, सुन लीजिए, हाथी को डिजाइन किया, शेर को डिजाइन किया, इंसान को डिजाइन किया, औरत को डिजाइन किया, मर्द को डिजाइन किया, पौधों को डिजाइन किया, दरिंदों को, परिंदों को, तितलियों को डिजाइन, यानी अल्लज़ी आता कुल्ल शैइन,
ऑक्सीजन को डिजाइन किया, आयरन को किया, सोने को किया, चांदी को किया, मेटल्स को किया, गैसेस को किया। आता खुल्ला शहीन खलका, हर शय को उसने उसने डिजाइन किया है। देखिए डिजाइन करके उसके बाद फिर क्या किया, फहदा। शेर को क्या कहा कि तुम गोश्त खाओ, गेहूं गोश्त खाओ, और बकरी बकरी को कहा घास खाओ, हिदायत दी ना उसको। आंखों को कहा देखो, कान को कह दिया, कान को हिदायत दी सुनो। कुल शयिन, देख रहे, चार चीजें नोट कीजिए, बड़ी मुश्किल बात समझा रहा हूं। अल्लज़ी खलक़ा फसव्वा, और उसके बाद उसकी तकमील की। तस्विया का तो असल में मतलब होता है बराबरी करना, लेकिन ये तकमील के माने में आता है ये। और वल्लज़ी क़द्दरा, अच्छा हर चीज की तकदीर मान रहे हैं। देखिए जैसे पानी है, पानी की एक तकदीर है, वो हमेशा हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, उसकी एक तकदीर है। और यानी वो चढ़ाई की तरफ नहीं जा सकता इल्ला ये कि कोई चीज से टकराए, रिपेल हो जाए, वो एक तकदीर है। भाप, उसकी क्या तकदीर है, भाप हमेशा जब गर्म होती है, पानी गर्म होता है, ऊपर की तरफ जाता है। तो ये चीज, इस चीज को समझिए, हर चीज की एक तकदीर है, हर एलिमेंट की, हर कंपाउंड की, हर सेल की, बाल बाल की, और जर्रे जर्रे की, खलिये खलिये की, चप्पे चप्पे की एक तकदीर है, सूरज की एक तकदीर है, चांद की एक तकदीर है। والقمر قدرها قدر منازل, चांद की मंजिलें उसकी एक तकदीर है, सूरज की एक तकदीर है। कोलू का बैल है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, वो उसकी मजाल नहीं है कि वो चांद को जा पकड़े। الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العلي, तो ये अजीज और अलीम अल्लाह की तकदीर है। तो हर चीज की एक तकदीर है, तकदीर है, ठीक है। फहदा, और उसके बाद वो हिदायत देता है। इधर देखिए, बच्चा पैदा होता है ना, बच्चा पैदा होता है, आगे मैं समझाऊंगा, आगे बच्चा भी पैदा हुआ है, एक घंटे का बच्चा है। तो अल्लाह ताला देखिए, अलम नजअल लहु आइनैन, क्या हमने उसको दो आंखें नहीं दी, व लिसानन व शफतैन, क्या हमने एक जबान नहीं दी, दो होंठ नहीं दिए, शफतैन नहीं दिए, वहदैनाहु नजदैन, और उसको हमने हिदायत दी, जा दो माँ की छातियां हैं उसका दूध पी। उस बच्चे पर वही कौन कर रहा है, उस बच्चे को हिदायत कौन दे रहा है? अच्छा, वो बच्चे की तकदीर क्या है, एक जबान दो होंठ, उससे वो माँ का दूध चूसता है। फहादा, आंखों आंखें उसका देखना शुरू कर देती, उसके कान जो है उसको सुनना शुरू कर देते हैं। अब ये है देखिए, अल्लाह वल्लज़ी अखरजल मरआ, मरआ मरआ, देखिए ये इसमें ज़र्फ है, जैसे मलजा और मावा और मबना, इस वजन पर ये जो है इसमें ज़र्फ है। असल तो इसके मानी है चरागाह के, चरागाह के, तो ये जो अंग्रेजी में जिसको ग्रेजिंग लैंड्स कहते हैं, ये दुनिया में बड़ी बड़ी इस तरह की के इलाके हैं जहाँ पर ये जो बकरियां चराने वाले और ये दुम्बे चराने वाले, ये वहाँ अपने जानवर को ले जाते हैं, और वहाँ तो ये अल्लाह ताला ने इंतज़ाम किया हुआ है। आपने देखा होगा कि ये चरवाहे तो 2,000-4,000 बकरियों को लेके चले जाते हैं, और सर्दियों के ज़माने में नीचे उतर आते हैं, फिर गर्मी के ज़माने में पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं, ग्रेजिंग लैंड। तो देखिए अल्लाह ताला ने न सिर्फ इंसान की ग़िज़ा का एहतमाम किया है, बल्कि इंसानों के लिए जो गोश्त की ज़रूरत है तो उसके लिए जानवरों की ग़िज़ा का भी एहतमाम किया है। फ़जअलहु ग़ुसाअन अहवा, और फिर होता क्या है कि ये जो है ये बिल्कुल काले रंग का हो जाता है, और ये बिल्कुल डिकम्पोजिशन हो जाती है इसकी। और अब यहाँ पर पैराग्राफ खत्म हो जाता है। अब दरमियान में ये जुमला मोतरजा है, ये दूसरा पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, अल्लाह का तारुफ खत्म हो गया। ये पहली पांच आयात में अल्लाह का तारुफ हो गया, और एक मुतालिबा था, क्या था वो, अल्लाह की बेअबी बयान करो, तस्बीह करो, सुभान अल्लाह कहो, सुभान अल्लाह कहो, सब्बह। ये पहला पैराग्राफ खत्म हो गया। अब दूसरा पैराग्राफ, ये जुमला मोतरजा है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको दोहराने की जरूरत नहीं है, जहां वहां सूरह
قیامت میں کہا گیا تھا کہ لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآن. تو یہاں بھی یہی بات کہی جا رہی ہے, سنقرئك فلا تنسى, ہم آپ کو ایسے پڑھائیں گے کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے قرآن. آپ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ توجہ سے سنیے قرآن کو. جب جبریل قرآن لے کر آئیں توجہ سے سنیے, ایک بار سنیں گے تو ہم آپ کو قرآن آپ کے دل پر نقش کر دیں گے, آپ کبھی نہیں بھولیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سنقرئك کا, ہم پڑھائیں گے آپ کو اور ایسے پڑھائیں گے فلا تنسى, آپ بھولیں گے الا ما شاء اللہ. ہاں اگر اللہ چاہے کوئی آیت کو منسوخ کر دے, کوئی ابتدائی حکم آیا ہے لوگوں کی مصلحت کے تحت تو اس میں ترمیم ہم کر دیں گے. اب اس کے بعد اللہ کا مزید تعارف ہو رہا ہے, انہو یعلم الجہر وما یخفا, کہ وہ اللہ, اس کی صفت یہ ہے کہ وہ جہری چیزوں کو جو بآوازیں بلند ہوتی ہیں اور جو چیزیں چھپائی جاتی ہیں ان سب کو وہ جانتا ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى, اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے, ان مشکل حالات میں ہم آپ کے لیے آسان راستے آپ کی ہدایت کریں گے. تو دیکھیں یہ مفعول مطلق ہے, نُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى, یسرا کی طرف, اور نُيَسِّرُ یہ تیسیر سے, یعنی ہم آپ کو آسانی کی طرف آپ کی رہنمائی کریں گے, مکمل رہنمائی کریں گے. اب دیکھیے, اور یہ قرآن آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے, ہم پڑھوا رہے ہیں نا آپ کو, تو اب یہاں دوسرا حکم آ گیا فا. پہلے سبح کا حکم تھا, اب یہ دوسرا حکم آ رہا ہے فا. فا کا دیکھیے یہ پیراگرافک فا ہے, یعنی فذکر ان نفعت الذکر, تو کہ تذکیر کیجئے, اور یعنی اور یہاں دعوت کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ نصیحت وہاں کیجئے جہاں اس کے مفید اور نفع بخش ہونے کے غالب امکانات ہیں. ویسے تو قرآن سب کے لیے عام ہے, لیکن جو توجہ دے رہے ہیں جہاں غالب امکان ہے, لوگ سن رہے ہیں, توجہ سے سن رہے ہیں, ان پر زیادہ توجہ دیجیے. اور یہاں الذکرہ سے کیا مراد ہے, وہی قرآن ہے جس کے لیے کہا گیا سنقرئک فلا تنسى, کہ اس کی آپ بار بار یاد دہانی. دوسری جگہ کہا گیا دیکھیں فذکر بالقرآن من یخاف وعید, اسی کے ذریعے تبلیغ کیجئے, یاد دہانی کیجئے, تذکیر کیجئے, فذکر. اب دو باتیں یہاں بتائی گئیں کہ یہ دعوت و تبلیغ کا کام ہے. فذکر کا کیا مطلب ہے, دعوت دیجئے, تبلیغ کیجئے. دیکھیے ادھر دیکھیے, اب ذرا دوسرے پہلو سے میں سمجھاتا ہوں. میں نے کہا تھا ابتدا میں آپ کو دو یہاں کام ہے, حکم کیا ہے سب, دوسرا حکم کیا ہے ذکر. ٹھیک ہے, اب وہاں سبح کیا کیا ہے, توحید کی دعوت دیجئے, ایسی توحید, اس میں بتائیے کہ اللہ جو ہے وہ مخلوق کی طرح نہیں ہے, سوتا نہیں, اونگتا نہیں ہے, لیسا کم اس لیے شیء, اس کی بے بھی بیان کیجئے. وہ رام اور کرشن کی طرح نہیں ہے, وہ اور وہ کسی عیسیٰ کی طرح نہیں ہے, وہ انسانوں میں حلول نہیں کرتا, بے عیب خدا ہے وہ, بے عیب خدا ہے وہ, اور احد ہے, نرالا ہے, سب سے الگ ہے. تو وہ توحید بیان کیجئے. سبح کا کیا مطلب ہے کہ توحید تسبیح بیان کیجئے, توحید تنزیح بیان کیجئے, اور ان سارے فلسفوں کا اور ان سارے مذاہب کو رد کر دیجئے جو اللہ کے بارے میں غلط تصورات پیش کرتے. اب یہاں پر دعوت, قرآن کی دعوت پیش کیجئے. دوسرا ہے ذکر کا کیا مطلب ہے, قرآن کی دعوت پیش کیجئے, بار بار پیش کیجئے, فذکر بالقرآن. اب اس کے سیذکرو من یخشا ویتجنبها الاشقا, دو لفظ ہیں دیکھیے آپ, اشقا اشقا شق شقی شقی, اور اس سے اس میں تفضیل ہے اشقا, بہت زیادہ بدبخت ہے, بہت بڑا بدقسمت آدمی. تو اب دیکھیں یہاں دو لفظ ایک دوسرے کے مخالف آ رہے ہیں, ایک خاشی ہے, خاشی جس کے دل میں خشیت ہے, اور اس کے مقابل میں کیا ہے, بدبخت ہے.
जरा कापी पे लिखिए, जरा मुश्किल तकाबुल है, यहाँ कापी पे लिखिए, देखिए कापी पे लिखेंगे तो आप समझ में आएगा, हो सकता है कि फौरन आप इस चीज को समझ ना सकें, बाद में घर जाके नोट्स को दोबारा देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो खाशी जो है उस आदमी को कहते हैं जिसके दिल में नरमी हो, और खाशी की जिद क्या है, वो है कासी, कास जिसकी जिसमें कसवत कल्ब हो, जो ना कसवत हो, दिल में सख्त हो, पत्थर फिरौन जैसा आदमी हो। अच्छा अब देखिए ये जो शकी है, शकी की जिद तो है सईद, खुशकिस्मत सईद, सईद। तो यहां पर मैं यक्षा का मतलब क्या है, मैं यक्षा का मतलब है सईद, खुशकिस्मत, वो छुपा हुआ है। और अशका जो है वो उसके अंदर एक बात छुपी है, वो क्या है, वो जो बदकिस्मत है वो कौन है, वो पत्थर दिल वाला है। अच्छा अब देखिए यहां कुरान किसके लिए नाफे होता है, इन नफाती जिक्र, कुरान किसके लिए फायदा देता है, जिसके दिल में नरमी हो उसके लिए कुरान बहुत कारगर हथियार है, और जिसका दिल सख्त है पत्थर की तरह है उसके ऊपर कुरान कोई असर नहीं कर सकता। इसीलिए कहा गया ना, लो अंजलना हाजल कुरान आला जबल, जबल पर नाज़िल किया जाता तो वो फट दिला, जिस तरह पहाड़ में से लावा फट के पड़ता है तो जलजला भी आ जाता, खुशू भी हो जाता और खशियत दिल्ला से वो फट भी जाता, लेकिन उससे कतराएगा, इज्तिनाब करेगा, उससे दूर भागेगा, इज्तिनाब करेगा कुरान से, दूर भागेगा कौन, बदबख्त आदमी। अच्छा मुसलमानों में भी ऐसे वो लोग मौजूद हैं जो दावत और तबलीग का काम कर रहे हैं लेकिन कुरान से भागते हैं, तफसीर से भागते हैं, कहते नहीं जी तफसीर पढ़ेंगे तो आप भटक जाएं। अल हफीज अल अमान, अल हफीज अल अमान, कुरान कह रहा है कुरान के जरिए तबलीग करो, फजक्किर बिल कुरान, फजक्किर बिल कुरान, अंजिर बिही, अंजिर बिल कुरान, अंजिर बिही, इससे डराइए, खबरदार कीजिए। तो याद रखिए दावत और तबलीग में कुरान मजीद का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, कुरान ये दिल छेद कर देता है, कुरान फटता निकल है, ये नाजल की, लेकिन जो पत्थर से ज्यादा सख्त हो उस पर कुरान असर नहीं करता। तो ये पैमाना है, जरा समझ लीजिए कि किसके दिल, यानी किस कौन सी जमीन जरखेज है कुरान के लिए, कौन इस्लाम कबूल करेगा, जमीन जरखेज होगी तो वहां इस्लाम की फसल लहलाएगी, इस्लाम कबूल कर लेगा, कलमा पढ़ लेगा, वो इस्लाम पर अमल करेगा, खुदा पर ईमान लाएगा, आखिरत पर ईमान लाएगा, लेकिन जमीन सख्त है उस पर कोई काश्त नहीं की जा सकती, वो बदबख्त जमीन है। और ये बदबख्त क्या होगा, अशका का हाल क्या होगा, अल्लज़ी यसलन नार अल कुबरा, तो ये बड़ी आग में दाखिल किया जाएगा, बड़ी आग है, नारे कुबरा है ये, कुबरा असल में ये इसमें तफजील है अकबर की बीवी है, अकबर कबीर से अकबर बन गया और कबीरा से जो है कुबरा बन गया, अल्लज़ी यसलन नार अल कुबरा सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया। अब ये आग ऐसी है इसकी जिल्द बार बार जलाई जाएगी, फिर नई जिल्द दी जाएगी, ना ये मरेगा ना जिएगा, तमन्ना करेगा कि मेरी मौत हो जाए, मैं मर जाऊं, ये मुसलसल अजाब में सह नहीं सकता। लेकिन देखिए दोजख क्या चीज है, ऐसा नहीं है कि वो एक बार जला दिया और जल के राख हो गया, किस्सा खत्म, जैसे लोग बेवकूफ लोग होते हैं ना, खुदकुशी कर लेते हैं ट्रेन के नीचे, या फांसी दे लेते हैं अपने आप को, या जहर खा लेते हैं, तो वो ये समझते हैं कि वो अजाब से बच जाएंगे, हालांकि वो मुसलसल जो है अजाब दिए जाते रहे। और जैसे कि हदीस में आता है कि जो आदमी जहर खाता है तो हमें तो इसी तरह पैराग्राफ खत्म हो गया, किसके बारे में, ये कुरान के बारे में पैराग्राफ था कि फजक्किर, इसमें एक हुक्म दिया गया था, पहला पैराग्राफ किसके बारे में था, तस्बीह का हुक्म दिया गया था, अल्लाह का तारुफ किया गया था, तौहीद के बारे में, दूसरा पैराग्राफ किसके बारे में था, और वो कि कुरान हम आपको पढ़वा देंगे,
तीसरा पैराग्राफ जो है वो तस्कीर का हुक्म दिया गया था और बताया गया था कि ये कुरान जो है जो शहीद रूहें हैं, जो खाशी और दिल के अंदर जिनकी नरमी है, वो उनके लिए हिदायत का सामान बन जाएगा, और जो बदबख्त लोग हैं, अशका हैं, बहुत ज्यादा बड़े बदबख्त हैं, वो कुरान से दूर रहेंगे, बदकिस्मती है, और इनको फिर दोजख का अजाब दिया जाएगा जिसमें वो मरेंगे न जी। अब आ रहा है देखिए अगला पैराग्राफ। अब कुरान मजीद एक कुरान मजीद एक तस्किए का प्रोग्राम देता है। कद वज़क रस्म रब्बिही फसल, दो आयात हैं लेकिन बहुत मुश्किल है, जरा नोट कीजिए, आप तवज्जो से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। तो यहां पर दो चार लफ्ज बड़े अहम हैं इन दो आयात के। कर लिया मन तज़क्का, तज़क्का मन तज़क्का, तो तज़क्का, और दूसरा है यहां पर अहम लफ्ज, एक तो अफलाह है, एक तज़क्का है, और ज़करा, ज़करा, ठीक है। सल्ला का मतलब उसे नमाज पढ़ी, पहले तर्जुमा समझ लीजिए फिर हम हर लफ्जों का बाहम कामयाब हो गया। बिलाशुबा अपना तस्किया कर लिया और उसने अपने रब के नाम का जिक्र किया, अपने रब के नाम का जिक्र किया, अपने रब के नाम को याद किया, चुनाचे नमाज पढ़ी। फा बहुत अहम है, फा, चुनाचे नमाज पढ़ी, चुनाचे नमाज फसल्ला। एक और बात जरा नोट कर लीजिए भाई, कॉपी में लिख लीजिए जरा, पहला हुक्म क्या दिया गया था, इधर देखिए, सब्बह सब्बह स्मा रब्बी कल आला कहा गया था ना। अब यहां जो है ये जकरा को अगर आप जखीर में बदल दें तो जखिर स्म रब्बी, तो इधर देखिए, अब ये तौहीद दो किस्म की होगी, एक तौहीद हम्द है और एक तौहीद तस्बीह। तो एक में कहा जा रहा है कि अपने रब के नाम की बेअबी बयान करो, और यहां कहा जा रहा है अपने रब के नाम की जो मुस्बत सिफात है उसका तस्किरा करो। अच्छा इधर देखिए, तस्किया जो है करेगा तो कामयाबी होगी ना, यानी अफलाह, अगर तस्किया नहीं करेगा तो कामयाबी नहीं होगी। अच्छा तस्किए के लिए क्या जरूरी है, वो अल्लाह का जिक्र जरूरी है, और जिक्र के लिए क्या जरूरी है, नमाज जरूरी। अब आएंगे तो अल्लाह का जिक्र होगा, अल्लाह का जिक्र करेंगे तो तस्किया होगा, और तस्किया करेंगे तो कामयाबी होगी। सब समझ रहे हैं? देखिए वो हमारे उस्ताद थे मरहूम मौलाना अब्दुल कदीर इस्लाही, वो अपने उस्ताद मौलाना अख्तर एहसन इस्लाही का जुमला हमेशा हमें दोहराते थे कि कुरान मजीद के हर लफ्ज की उंगली पकड़ कर चलो, कुरान मजीद के हर लफ्ज़ की उंगली पकड़ कर चलो। तो यहाँ भी देखिए ये अफलाह, तज़क्का, ज़करा, फसल्ला, इसकी उंगली पकड़ कर चल गया। तस्किया देखिए, अफलाह इसी से एक लफ्ज है, फल्लाह, फल्लाह किसान को कहते हैं, तो किसान को कामयाबी उसी सूरत होती है जब वो मेहनत करता है, मेहनत के बगैर कामयाबी नहीं होती। एक बात जरा समझ, तस्किया असल में दो चीजों से इबारत है, पहले बता चुका हूं मैं, एक है फरोग जात और दूसरे तहसीन जात, और इल्म के बगैर तस्किया नहीं हो सकता। कुरान का इल्म नहीं है, हदीस का इल्म नहीं है, आप और जो है सूफी बन गए और खूब इबादत कर रहे हैं तो आपका तस्किया नहीं होगा। इल्म का होना जरूरी
के बगैर नामुमकिन है, तस्किया नामुमकिन है। और बहुत सारे लोग भटक गए, बहुत सारे लोग भटक गए, इबादत गुजार थे, नेक थे, नीयतें अच्छी थी, लेकिन इल्म रासिक नहीं था, कुरान का इल्म नहीं था, अहादीस का इल्म नहीं था, तो मेहनत करनी पड़ती। अच्छा, और अब सुन लीजिए, ये जो नमाज है, इसके बारे में वहां गया सूरह निसा के अंदर मुनाफिकीन का जिक्र करते हुए, वला यस्कुरून अल्लाह इल्ला कलील, वो अपनी नमाज में अल्लाह याद नहीं करते मगर इधर उधर में गुम रहते हैं, अल्लाह याद नहीं होते। तो जब आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहें, इहदिना सिरात अल मुस्तकीम कहें, उस अल्लाह की याद हो, उसमें सुभान रब्बियल आला जब कहें, सुभान रब्बियल अजीम जब कहें, अल्लाहुम्मग़फिरली अल्लाहुम्मग़फिरली, जब ये सारे अस्कार والسلام علينا يا الله ہم سب کے اوپر سلامتی ہو وعلى عباد الله الصالحين, یہ جب آپ پڑھیں تو یعنی یو مین, آپ الفاظ کے پیچھے آپ کا دل ہو, آپ کے جذبات ہوں, یعنی صرف چند رٹے ہوئے بات کو ادا کر, یعنی یاد والی نماز بنائیے, نماز کو یاد والی نماز بنائیے. देखिए यही वो बात है जो सूरतुल अनकबूत में कही गई थी, वहां क्या कहा गया, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बिलाशुबा नमाज फहाशी से और मुनकरात से रोकती है. और नमाज बड़ी चीज है, दरमियान में एक जुमला छोड़ दिया, नमाज बड़ी चीज है, बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, लेकिन वला जिक्रुल्लाह अकबर, अकबर है अल्लाह का जिक्र, उससे भी बड़ी चीज. तो अल्लाह का जिक्र जो है वो कैसे की सिफात से हो, इन्नका हमीदु मजीद, नमाज आप कहते हैं रब्बिल आलमीन, आप कहते हैं अर्रहमान अर्रहमान अर्रही मालिक यौमिद्दीन, ये सब क्या है, ये ज़िक्र अस्म रब्बी है, हमीद है, मजीद है, गफूर है, रहीम है, वदूद है. तो ये अल्लाह के जितने नाम आए, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, तो ये इससे नमाज को एनरिच करो, नमाज को पुख्ता करो, नमाज के मेयार को बुलंद करो, बेध्यानी से नमाज ना पढ़ो, जल्दी जल्दी नमाज ना पढ़ो, समझ के नमाज पढ़ो, हर नमाज को आखिरी नमाज समझ के पढ़ो. अच्छा मैं एक बात बताऊं, मैं आपको ये मैंने बड़े बड़े लोगों के पीछे नमाज पढ़ी, बड़े बड़े सियासी लीडरों के पीछे, मजहबी लीडरों के पीछे नमाज पढ़ी, मुफ्तियों के पीछे नमाज पढ़ी, नमाज का मजा ही नहीं आता, सूफियों के पीछे नमाज पढ़ी, मजा ही नहीं आता. वजह क्या है, वजह यह है कि वो नमाज मसनून को नहीं जानते, के किस तरह रुक रुक कर तिलावत करना है, किस तरह मौके पर क्या पढ़ना है, सजदा कैसे हो, रुकू कैसे हो, एतेदाल कैसे हो, तवाजुन कैसे हो, उन और सारी दुनिया का तस्किया कर रहे हैं, पीर साहब बन गए हैं, मुरीद बना रहे हैं, शिरीनी वसूल कर रहे हैं, चंदे वसूल कर रहे हैं, तस्किया लोगों के मुजक्की बने हुए हैं, मुरब्बी बने हुए हैं, लेकिन खुद उनका तस्किया नहीं हुआ, खुद उनको नमाज नहीं आती. तो वजह वही है, नमाज देखिए, नमाज से आप पहचान लीजिए कि आदमी कितने पानी में, अल्लाह ताल्लुक नमाज, आप ऐसा कीजिए किसी आदमी के पीछे जरा खड़े हो जाइए और उसको नमाज पढ़ते देखिए, उसको गैर महसूस तरीके से, अनजान तरीके से उसके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ते देखिए उसको, अगर उसका नमाज में दिल लगा हुआ है, तवज्जो से पढ़ रहा है, तो समझ लीजिए कि अल्लाह के साथ इसका ताल्लुक अच्छा है. और अगर बेध्यानी से पढ़ रहा है, तेज तेज पढ़ रहा है और खिलाफ सुन्नत नमाज पढ़ रहा है, तो समझ जाइए कि ये तस्किए के काबिल नहीं है. तो ये चार बातें आपके जहन में आ गई. तो यहाँ पूरा तस्किए नफ्स का प्रोग्राम दे दिया गया यहाँ पर, कि कुरान मजीद क्या है, वो उसकी तस्कीर जरूरी है. ज़िक्र इन नफ़ाति ज़िक्रा, और जिसके दिल में खशियत होगी वो इस नसीहत को कबूल कर लेगा. तो अब इधर देखिए, अब तस्किए नफ्स के लिए एक शर्त है खशियत, जिसके दिल में नरमी पाई जाती है वो तस्किए नफ्स के लिए, उसकी दिल की जमीन बड़ी साजगार.
अब इसका आखिरी पैराग्राफ है, बल। अच्छा, बल से पहले क्या जुमला छुपा हुआ वो मैं लिखवा देता हूँ, जरा कॉपी में लिख लीजिए अपनी आप। मैंने कहा था ना कि बल से पहले हमेशा कल्ला छुपा होता है। तुम जो समझ रहे हो गलत, तुम्हारा मसूमा गलत है, तुम्हारे गलत फहमी है, तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी सोच गलत है, तुम्हारे ख्याल। तो बल से पहले एक जुमला छुपा हुआ होता है, कल्ला भी छुपा हुआ होता है और एक जुमला भी छुपा हुआ होता है हर किसी ने। यानी क्या जुमला है, तुम तस्किया नफ्स हासिल नहीं कर सकते, तुम लोग कुरान मजीद की तस्कीर से फायदा नहीं उठा सकते, तुम लोग जिक्र वाली नमाज नहीं पढ़ सकते, तुम लोग फलाह कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। क्यों? उसकी सबसे बड़ी तुम क्या उठाओगे, बल्कि तुम्हारा तुम तो तवज्जो नहीं देते, तुम्हारे दिल में खशियत नहीं है। सयज़्ज़करु मन यख्शा, तुम्हारे दिल में तो खशियत ही नहीं है। बल तुसिरून अल हयात दुनिया, तो तुम लोग तो दुनिया की जिंदगी को तरजीह दे रहे हो। तुम मादा परस्त हो, मादा परस्त आदमी जो सूद के कारोबार में है। अब देखिए वो एक शुगर माफिया वाला जो है भाग गया, लंदन भाग गया, उसको भगा दिया उसको, और कह रहे हैं कि एहतसाब करेंगे करेंगे, उसको लंदन भगा दिया उसको। दुनिया है ना, दुनिया के पीछे दौड़ रहा है। तू सिरून अल हयात दुनिया, तो वो कैसे, उसको क्या पता कि तस्किया क्या है, खशियत कल्बी किसे कहते हैं, कसावत कल्बी किसे कहते हैं, नमाज जिक्र वाली नमाज क्या है। दुनियादार है, दुनिया की जिंदगी पर तुम फरीफता हो। और वल आखिरतु खैरुन व अबका, हालांकि आखिरत क्या है, ज्यादा बेहतर है, ज्यादा पायदार है। तो ये खैरुन भी इसमें तफजील है और अबका भी इसमें तफजील है, तो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा पायदार है। इन हादा लफी सुहफुल ओला, तो बिला शुबा ये बातें पुराने सहीफों में भी बयान की गई है। ये कौन सी चीजें, इधर देखिए, ये सभ्य इसम रबिकल आला वाली चीज, और जख़िर इन नफाती जिक्रा, और ये तस्किर नफ्स की बातें और दुनिया की जिंदगी का धोखा, ये सारी बातें ये पिछले सहीफों में भी बयान की गई है। और सुहफी इब्राहिम व मूसा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफे में और मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफे में। और ये बात मैं बता चुका हूं कि एक हदीस में ये बात आई है कि कुल 104 किताबें भेजी गई हैं, 104 किताबें। तो चार किताबें तो आप जानते ही हैं कि तौरात है, जबूर है, इंजील है और कुरान है, और 100 सहीफे। इसमें से 50 सहीफे हजरते आदम के बेटे शीत अलैहिस्सलाम पर नाजिल किए गए, और 20 सहीफे हजरते इदरीस पर नाजिल किए गए थे, और 20 सहीफे हजरते इब्राहिम पर नाजिल किए गए थे, और तौरात से पहले 10 सहीफे हजरते मूसा अलैहिस्सलात वस्सलाम पर नाजिल किए गए थे। तो ये है सूरत, सूरतुल आला। अच्छा, इधर देखिए, अब जरा पूरी सूरत को हम रिकैप करते हैं, सूरी पूरी पूरी सूरत को हम रिकैप करते हैं। देखिए, बार बार पढ़िए, जबानी याद कर लीजिए। अब ये आप तो जानते ही हैं कि 3 रकात वाली वितर की नमाज में, 3 रकात वाली वितर की नमाज में पहली रकात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल आला पढ़ते थे, और दूसरी रकात में सूरतुल काफिरून, और तीसरे में सूरत अल इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद। और जुमे में भी अक्सर आप सूरतुल आला की तिलावत किया करते थे पहली रकात में, और दूसरी रकात में अल गाशिया। लेकिन हमारे मौलवियों का पता ही है आपको, सुन्नत से बेबहरा है, सुन्नत पर अमल नहीं करते, और अलम तरा कैफा फाला से जुमा पढ़ा देते हैं। और यानी नमाज में ये 2 सूरतें बार बार पढ़ी गई हैं, सूरह काफ भी आप पढ़ा करते थे, और इसी तरह सूरतुल मुनाफिकून, सूरतुल जुमा भी आप पढ़ा करते थे ईद की नमाजों में, जुमे की नमाज। क्या बात मालूम हुई कि सूरतुल आला और सूरतुल गाशिया जो इसके बाद आने वाली है, ये आप बार बार पढ़ते थे, अवामी इज्तिमाआत में पढ़ते थे, ईदैन के मौके पर पढ़ते थे, जुमे के मौके पर पढ़ते थे। यानी मतलब क्या है कि हर खास आम
हर आदमी को यह सूरत ये याद हो जाए, इसके मजामीन याद हो जाए, इसकी तासीर उनके दिलों पर नक्श हो जाए। तो अब इसमें देखिए सूरतुल आला में क्या मजामीन थे इसमें, तो पहले पैराग्राफ में बताया गया था कि अल्लाह की रुबूबियत को, उसकी बर्तरी को तस्लीम कर लो, वो खालिक भी है, तकदीर बनाने वाला है, उसने हर चीज को की हिदायत का इंतजाम किया है, ऐसे बेऐब खुदा की तस्बीह करो, सुभान अल्लाह करो, यानी अल्लाह तो बेऐब है, बेऐब। और दूसरे पैराग्राफ में ये बात बताई गई कि कुरान मजीद को पढ़वा देना ये अल्लाह ताला ही का काम है, और अल्लाह ताला की सिफात ये है कि वो जहरी और सिरी हर चीज को वो जानता है। और तीसरे पैराग्राफ में बताया गया कि कुरान के जरिए से दावत और तबलीग का काम करना चाहिए, जकिर फजकिर इन नफाति जिक्रा, और जिसके दिलों में खशियत होगी सयज़क्करु मन यख्शा, जिनके दिलों में नरमी होगी, खौफ होगा, वो कुरान की इस नसीहत को कबूल कर लेंगे। उसके बाद फिर तस्किए नफ्स के सिलसिले में बात बताई गई, इसके लिए मेहनत जरूरी है, दिल की नरमी जरूरी है, और अल्लाह का जिक्र जरूरी है, और जिक्र वाली नमाज जरूरी है। और यही बातें कोई कुरान में पहली दफा नहीं समझाई जा रही हैं, इसका जिक्र हजरत इब्राहिम और हजरत मूसा दुनिया, तुम दुनिया को तरजीह देने वाले हो। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सूरतुल गाशिया के लिए जाते हैं ना, जो नर्स आपको बेहोश कर देती है वही है ये गशी। तो यही ढांपने गशीता करने वाली। तो जब अक्ल जो है पर्दा पड़ जाता है, अक्ल को ढांप दिया जाता है, तो आदमी बेहोश हो जाता है, उसकी हवास मुअत्तल हो जाती। तो ये देखेंगे कि ज़िक्र इन नफ़ाति ज़िक्रा, और यहां इसके अंदर भी आप देखेंगे फ़ज़क इन नमा अन मुज़िक्र, इन अल्फाज मुख्तलिफ हैं, मज़ामीन तो के दो किस्म के लोग हैं, और क़यामत के दिन दोनों। इस सूरत की खुसूसियत देखिए आप जरा, अक्सर होता यह है कि सूरतों में आखिरी हिस्से में बताया जाता है कि मोमिनीन का ये अंजाम होगा और मुनकिरीन का ये होगा, काफिरीन का ये होगा, लेकिन यहाँ पहले ही पैराग्राफ में दो मुख्तलिफ किरदार पेश किए गए हैं कि उनका अंजाम क्या होगा। पहले पैराग्राफ में कयामत का मोमिनीन कयामत को चार सवाल हैं चौथे पैराग्राफ में, और के खतूत पेशानी दिलों का हाल भी तफसील से सुनाते, पेशानी बता देती है, आंखें बता देती हैं, आप होंठ बता देते हैं, यानी पूरा चेहरे के ऊपर जो आसार होते हैं वो बता देते हैं कि आपके दिल की क्या कैसे निगाह हो। तो मुखातिब के खतूत पेशानी दिलों का हाल भी तफसील से सुनाते हैं। आमिलतुन नासिबा, आमिला मेहनत कर रहे हैं, और नासिबा थके हुए होंगे।
अच्छा, अब यहां देखिए वुजूह कहा जा रहा है, असल में तो यह है नुफूस, नुफूस है ना, नफ्स की जमा नुफूस, यानी कुछ लोगों के चेहरे वो बहुत ही जिल्लत में होंगे, खौफ जदा होंगे, खुशू उन पर तारी होगा, कांप रहे होंगे, लरज रहे होंगे, तो लेकिन उसके लिए नुफूस के बजाय यहाँ वजूह का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, और मेहनत कर रहे होंगे, मशक्कत कर रहे होंगे, थके मांदे होंगे, और फिर क्या होगा, तसला नारन हामिया, हामिया, तो हमीम और हमा, तो हमा तो कहते हैं वो आग की सिफत है, हामिया नार, तो भड़कती हुई आग में, दहकती हुई आग में दाखिल किए जाएंगे, तुस्का मिन ऐनिन आनिया, पिलाए जाएंगे एक चश्मे से, आनिया जिसका पानी खौल रहा होगा। देखिए वहां सूरह रहमान में आन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ था, यतूफून बैनहा व बैन हमीमिन आन, तो आन की बेगम आनिया है, आन, आन कहते हैं खोलता हुआ, और आनिया जो है खोलती हुई आपकी बेगम है, अगर शोहर खोल रहा है गुस्से में तो वो आन है, लेकिन यहाँ चश्मा है ये, आइन आनिया, खोलते हुए पानी के चश्मे से उन्हें पिलाया जाएगा, लैस लहुम ताअमुन इल्ला मिन दरी, इन लोगों के लिए, इन बदबख्त लोगों के लिए कोई खाना नहीं होगा, कोई ताम नहीं होगा सिवाय दरी के, यानी कांटों वाला खाना, खारदार झाड़ियों वाला खाना, और ऐसा खाना, ऐसा ताम, ला युस्मिनु, जो उनको मोटा नहीं करेगा, वला युगनी मिन जू, जो ना उनकी भूख मिटाएगा, जू कहते हैं भूख। तो अब ये जो है, ये कौन है, ये मंजर किसका है, ये चेहरे कौन से हैं, ये कौन से लोग हैं जो मुनकिरीन कयामत है, इसके बरखिलाफ अब कितने लोग आ रहे हैं, देखिए अब यहाँ से दूसरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है, ये कौन लोग हैं, ये खुशनसीब लोग हैं, ये कयामत पर, अल्लाह पर, तौहीद पर ईमान लाने वाले लोग हैं, वुजूहुन यौमइज़िन नाइमा, तो कुछ चेहरे उस दिन शादा व फरहा होंगे, नाइमा, नाइम जो है बहुत ही नर्म नाजुक, यानी, और जब खुशी होती है चेहरे के ऊपर तो चेहरे की जिल्द नरम पड़ जाती है, और जब आप गुस्से में होते हैं और तो जिल्द सख्त हो जाती है, लिसाइहा रादिया, और सही, सही तो कहते हैं कोशिश को, तो ये लोग अपनी कोशिशों पर वो राजी होंगे, राजिया, फी जन्नतिन आलिया, ऐसे बागात में होंगे जो बुलंद होंगे, आलिया, सुनिए अब ये ठट्टा की जो जमीनें हैं पाकिस्तान के अंदर, तो वहां पर वो वाटर टेबल जो है बहुत लो है, समंदर से भी नीचे है, आप वहाँ वो करते हैं कुआं खोदते हैं तो 2 फीट के बाद पानी निकल आता है, वाटर टेबल बहुत जो है ऊपर है, सतह समंदर से ऊपर का इलाका है, तो ये यहाँ पर फिर फसलें अच्छी नहीं होती, पानी हमेशा रुका हुआ होता है, तो जो सतह मुर्तफा की ज़मीनें हैं, जैसे ये चकवाल वगैरह की ज़मीनें हैं, ये सरगोदा की ज़मीनें हैं, ये सरगोदा की बिलखसूस ये प्लेटो की ज़मीनें हैं, ये आलिया, यहाँ से खिनू आता है आपका, फी जन्नतिन आलिया, तो ये यानी ऊँचे बागात होंगे, ला तस्मऊ फीहा लाग़िया, तो यहाँ कोई लघव बात नहीं होगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, गाली गलौच नहीं होगी, और ये जो बेहयाई बेहूदगी हम इस दुनिया के अंदर देखते हैं, तो एक हमारे दोस्त अमेरिका में है, तो वो मुझसे हमेशा ये कहते हैं, तो उनको उसकी उनके बॉस ने गाली दी वहाँ, और उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा देता हूँ, आप मुझे गाली नहीं दे सकते, वो ये कहा करते हैं कि इस मुल्क में 2 आफतें, एक तो जिस्म की आफत है, एक जबान की आफत है, तो दफ्तर में जाते हैं तो लोग ख्वातीन इतनी बरहना होती हैं कि आदमी को अपने जज्बात पर काबू रखना मुश्किल होता है, और इतनी बदजबानी होती है वर्क प्लेसेस पर, ये ऐसी गालियां दी जाती हैं, इतनी तहकीर की जाती है, बहुत ही बदजबान कौम है, और
लेकिन जन्नत पे याद रखिए कोई बेहूदगी नहीं होगी, कोई लघव बात नहीं होगी, बेहुदा बात नहीं होगी, गाली गलोच नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा वहां पर। फीहा आइनुन जारिया, इन बागात के अंदर नहरें बह रही होंगी। आइनुन जारिया फीहा सुरुरु मरफू, तो शरीर की जमा है सुरुर, तख्त होंगे यानी बिस्तर होंगे, तख्त होंगे, आपकी चारपाइयां होंगी और वो भी ऊंची होंगी। दायरे के जमीन पर सोने में और बिस्तर पे ऊपर सोने में फर्क होता है, बुलंद किए हुए बिस्तर होंगे, तख्त होंगे। वा अखवाब उन मौजू, अखवाब कूप की जमा है और इसी से लफ्ज कप बना है अंग्रेजी का, कप्स, कूब, कूब की जमा है अखवाब, कूब की जमा है अखवाब। मौदूआ के वो वजा किए गए हैं, वजा किए गए, इसके दो मतलब हो सकते हैं इसके, कि हर आदमी के लिए खास तौर पर डिजाइन की हुई कप्स होंगे, और इसका एक मतलब होगा कि वो रखे हुए होंगे खास मकामात पर शराब के साथ। ونمارق مصفوفة, نمرقة کی جمع ہے نمارق, مصفوف اور وہ قطار میں صفوں کے اندر ہوں گے, یعنی تکیے لگے ہوئے ہوں گے, تکیے لگے ہوئے ہوں گے اور تکیے قطار میں لگے ہوئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے ذرا تصور کیجئے, ایک جنت تنہائی کا گھر نہیں ہے, بھوت بھنگلہ نہیں ہے وہ, بلکہ وہاں انجمن آباد ہوگی, وہاں آپ کے دوست احباب ہوں گے, اہل ایمان ہوں گے اور آپ کے رشتہ دار ہوں گے, آپ کے عزیز ہوں گے جو صاحب ایمان ہوں گے, تو ایک آباد آباد جنت ہے, آباد جنت ہے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ, تکیے لگے ہوئے ہوں گے اور متقابلین, ایک دوسرے کو وہ دیکھ رہے ہوں۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ, اور قالینیں ہوں گی اور پھیلی ہوئی, بچھی ہوئی, لپیٹی ہوئی نہیں, یعنی یہ کن کے لیے ہیں؟ یہ جو قیامت کے اوپر ایمان لانے والے۔ تو یہ دو پیراگراف ہو گئے۔ تو پہلے کے بارے میں کیا کہا گیا؟ وجوہ یومئذ خاشعہ, اور دوسرے کے بارے میں کیا کہا گیا؟ وجوہ یومئذ ناعمہ, تو خاشعہ اور ناعمہ چہروں کا تقابل ہو گیا۔ اب یہاں پر دیکھیے چار چیزوں کی طرف نشاندہی کی گئی ہے, چار آیات ہیں, 17, 18, 19, 20 چار آیات ہیں اور چار سوال ہیں یہاں پر۔ اور دیکھیے ذرا یہ چار چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو ہے اونٹ, اور ایک ہے آسمان, ایک ہے پہاڑ, اور ایک ہے زمین۔ اور اس کے گراف کو دیکھیے آپ, یہ جو گراف ہے تو یہ اونٹ ہے, دیکھیے اونچا ہے نا, آپ یہاں ہیں, آپ یہاں ہیں, اور یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں اونٹ کی طرف, اونٹ یہ آپ ایسے یوں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں, نظر اوپر اٹھا کے, اور اس کے بعد کیا آسمان سے آپ پھر نیچے ایک پہاڑ کی طرف, اور پہاڑ کی طرف پھر زمین کی طرف دیکھتے ہیں نیچے, تو یہ ایک گراف بن رہا ہے آپ کا, اور یہ ایک عمودی اور سعودی ایک آپ گراف دیکھیں گے, آپ ایک اوپر بڑھتا ہوا اور پھر اس کے بعد نیچے کی طرف آتا۔ تو یہاں دعوت فکر دی گئی ہے کہ اے انسان اپنے خارج کی طرف دیکھ, خارجی دلائل ہے نا, دیکھیے تو جو ہے تو وہاں کہا گیا نا سورہ تاریخ میں کہ مما خلق, انسان دیکھتا نہیں, سوچتا نہیں کہ کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا, خلق من ماء دافق, وہ ایک اچھلتے ہوئے مادے سے, ایک پانی سے پیدا کیا گیا۔ تو انفس میں غور کرو, اپنے آپ پہ غور کرو۔ اب یہاں پر دیکھیے افلا ينظرون, یہاں قریش کی لیڈرشپ سے بات ہو رہی ہے, وہ جو ظلم ڈھا رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, صحابہ کرام پر, کیا یہ لوگ اپنے اونٹوں پر نہیں دیکھتے غور نہیں کرتے؟ ینظرون کا مطلب ہے یاقلون, یعنی کیا غور و فکر نہیں کرتے, عقل سے کام نہیں لیتے؟ الل ابلی کیف خلقت, کہ اونٹ کس طرح پیدا کیا گیا, اونٹ کس طرح پیدا کیا گیا, دیکھیے پتلی پتلی ٹانگیں ہیں لیکن کئی ٹن وزن اٹھا لیتا ہے, آپ اس کے اوپر یعنی 10 سوزوکیوں کا سامان لوڈ کر دیجیے, 500 میل تک سفر کرے گا, ایسی مخلوق ٹانگیں بڑی پتلی ہیں لیکن بوجھ بہت اٹھاتا ہے اور کئی کئی دن پیاسا رہ سکتا ہے۔ دیکھو
उसको देखो, ऊंट पर गौर करो, ऊंट की तकलीफ पर गौर करो। तो मैंने वो किस्सा शायद आपको सुनाया था, एक हमारे दोस्त हैं जो अमेरिका में पढ़ते रहे, और जब वो रोबोटिक्स पढ़ रहे थे, रोबोट्स के बारे में, तो वो उन्होंने कहा कि देखिए हम इतने आगे तो पढ़ गए हैं, लेकिन रोबोट्स के हाथ बड़े अच्छे हैं, सारी चीजें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन अभी टांगों के बारे में हम बहुत ज्यादा हम जो है कामयाबी हासिल नहीं कर सके। तो हमारे दोस्त कहते हैं कि उस वक्त मुझे कुरान की आयत ना याद आ गई और मैं रोने लगा। तो मेरा प्रोफेसर मुझे कहने लगा, क्यों रो रहे हैं? उसने कहा कि मैं बाद में बताऊंगा। तो फिर वो बाद में जाके उन्होंने अकेले में उनको बताया कि कुरान की ये आयत देख के कि ऊंट को देखो कि उसकी टांगे कितनी पतली हैं, लेकिन कितना वो बोझ न सिर्फ उठाती है बल्कि उठा के चलती है। وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, क्या ये लोग नहीं देखते? ये भी सवाल है, أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ, वहां सूरह रहमान में कहा गया। तो आसमान को बुलंद किया गया है, आसमान को बुलंद किया गया और बहुत बुलंद है, सात आसमान सबअन शिदाद और मजबूत आसमान, और अल्लाह भी आसमान पर है। आमीन तो मनफिस समा, बहुत बुलंद है। तो ये इस पर गौर किया कभी तुमने कि ये बुलंदी क्या है? इंसान कहां तक जा चुका है? तो ये देखिए जो निचला आसमान है, वलकद ज़य्यन्ना समा दुनिया भी मसाबी, ये सितारे जो नजर आते हैं आपको, ये तो निचले आसमान में, समा दुनिया में जो करीबी आसमान है, निचला आसमान है, इसको डेकोरेट किया गया। वइल जिबाल कैफ नुसिबत, क्या ये लोग पहाड़ों की तरफ नहीं देखते कि किस तरह ये गाड़े गए? अब शायद देखिए, ये मक्के में ये सूरत नाजिल हुई और मक्का सिर्फ पहाड़ों से घिरा हुआ है, और चारों तरफ इसकी पहाड़ी पहाड़ है, और कोई यहाँ एग्रीकल्चर नहीं है, कोई यहाँ ज़राअत का इंतजाम नहीं। तो पहाड़ों की तरफ देखो किस तरह वो अवतार ये जो गाड़े गए ना, खूंटों की तरह है, वतद की तरह। वह इलल अर्द कैफ सुतिहा, जमीन की तरफ देखो किस तरह वो हमवार की गई है, बिछाई गई है, कि चावल के खेत हैं और बिल्कुल पानी खड़ा हुआ, बिल्कुल हमवार, बिल्कुल लेवल फील्ड्स है आपके लिए। अब ये देखिए यहाँ पर आखिरी, ये तीसरा पैराग्राफ खत्म हो गया, यहाँ से आखिरी पैराग्राफ शुरू हो रहा है। अब यहाँ पर ये फा आ गया, देखिए ये फा को नहीं समझेंगे आप पूरा रब्ते कलाम नहीं समझेंगे। ये फा पहले पैराग्राफ में क्या था? वजूह यौम इज़िन खाश, पिछले पैराग्राफ में क्या था? वजूह यौम इज़िन नाइम के। तीसरे पैराग्राफ में क्या था? सिर्फ सवाल थे, क्या ये लोग गौर नहीं करते, ऊंट पर गौर नहीं करते, आसमान पर गौर नहीं करते, पहाड़ों पर गौर नहीं करते, जमीन पर गौर नहीं करते। एक ही खुदा है, उसने कितनी मुख्तलिफ किस्म की चीजें और मुख्तलिफ फंक्शंस के साथ पैदा कर दी। फज़क्किर का मतलब क्या है? तबलीग कीजिए, याद दहानी कीजिए, नसीहत कीजिए। अब यहाँ मकाम रिसालत की भी वजाहत कर दी गई, मनसब रिसालत क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी क्या है। इन्नमा अंत मुज़क्किर, इन्नमा से हसर पैदा होता है, यानी आप कुछ और नहीं है, आप खुदा नहीं है, आप अल्लाह नहीं है, आप खुदाई में शरीक नहीं है, आपके पास अजाब और सवाब का इख्तियार नहीं है, हिदायत आपके हाथ में नहीं है, आप सिर्फ मुज़क्किर। इन्नमा अंत मुज़क्किर, आपका मुज़क्किर है, तस्कीर आपका काम है, दावत आपका काम है, तबलीग आपका काम है। लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, आप इन लोगों की दरोगा नहीं है, आप इनको मारने के लिए, कत्ल करने के लिए नहीं भेजे गए आप लोगों, जबरदस्ती इनसे मनवाना नहीं है। इल्ला मन तवल्ला वकफ, हाँ जो इस दावत से मुंह फेरता है और इनकार करता है तो अल्लाह उसे फयुअज़्ज़िबुहुल्लाहु अल-अज़ाब अल-अकबर। इधर देखिए, वहां पिछली सूरत में क्या कहा गया? यसलन अल्लज़ी यसलन नारल कुबरा कहा गया था,
और यहाँ क्या कहा गया, अल अजाब अल अकबर कहा गया, वहां भी फजक्किर था, फजक्किर इन नफात जिक्रा, और यहाँ क्या है, फजक्किर इन नमा अंता मुजक्किर, ये साथ साथ जुड़ी हुई है। इन इलैना इयाबहुम, तो ये जो कुरैश के बड़े बड़े लीडर हैं, ये बिला शुबा हमारी तरफ इनको आने, असल में इयाब को पहले ले आइए, इन इयाबहुम इलैना, लेकिन आहंग को दुरुस्त करके इयाब को आखिर में लाया गया कि इनको लौटना, इनका इयाब हमारी तरफ है, बच के कहां जाएंगे। इसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली का सामान है कि आपका काम दावत है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, और लेकिन ये बदबख्त है, इनके दिल में खशियत नहीं है, इसलिए ये मुंह फेर रहे हैं, इसलिए ये इनकार कर रहे हैं। सुम्मा इन्ना अलैना हिसाब, और हमारे जिम्मेदारी है, ये हमारा फर्द है, हमारे जिम्मे, हम इनका हिसाब, हम इनको दाखिले जहन्नम करेंगे। अब आ जाइए सूरतुल फज्र, सूरतुल फज्र, सूरतुल फज्र। अच्छा देखिए, सूरतुल फज्र की 30 आयात है, 30 आयात है, और इसके 6 पैराग्राफ, और ये जरा मुश्किल तरीन सूरतों में से ये भी, और अल्लाह ताला ने इस नाचीज के लिए ये सूरत थोड़ी आसान, और बार बार मैं गौर करता रहा। आप मेरी किताब देखिए पुरानी सूरतों का नस्म जली, इसके मैंने 6 पैराग्राफ कर दिए, और जरा और उसकी का एक टेबल भी बना दिया मैंने, जरा तवज्जो से बात आप सुनेंगे बात समझ में आएगी आपकी। सूरतुल फज्र, अच्छा इधर देखिए, ये वही सूरत है जिसके आखिरी पैराग्राफ में कहा गया, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ठीक है। अच्छा अब एक लफ्ज यहां पर छुपा हुआ है इस सूरत के अंदर, एक नफ्स मुतमइन्ना है, मुतमइन है, तो उसके इसकी जिद क्या है, वो है नफ्स गैर मुतमइन। अच्छा इधर देखिए आप, जरा 6 पैराग्राफ है इसके, जरा मुश्किल सूरत है, तवज्जो से सुनेंगे बात, कॉपी पे नोट करेंगे, सूरत समझ में आएगी, वरना नहीं समझ में आएगी आपकी, यानी बलीग है वजीद सूरत। पहले पैराग्राफ में जो नफ्स मुतमइन्ना है उसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, जी हिज्र, ये अक्ल वाले लोग हैं, ये इंटेलिजेंट हैं, उलुल अलबाब हैं, जी हिज्र। और आखिरी पैराग्राफ में जिहिज्र को क्या कहा गया, ये नफ्स मुतमइन। अच्छा अब दरमियान में कितने पैराग्राफ हैं, 4 पैराग्राफ, ये जो 4 पैराग्राफ हैं ये नफ्स गैर मुतमइन के बारे में, ठीक है। तो यहां पर सुनिए, पहले पैराग्राफ में गैर मुतमइन का जिक्र नहीं है, और दूसरे तीसरे चौथे और पांचवें में मुतमइन का जिक्र नहीं है, फिर आखिरी में फिर नफ्से मुतमइन ना कर सके। अच्छा अब इधर देखिए, दूसरा जो पैराग्राफ है तो वहां तारीख की दलीलें हैं, इधर देखिए वो नफ्से गैर मुतमइन में कौन सी दलीलें हैं, तारीख की, 3 कौमों का जिक्र किया गया, अलम तारा कैफा फाला रब्बुक बि आद व समूद अल्लज़ीन जाबु सखर बिल वाद व फिरऔन ज़िल औताद, आद समूद और फिराउन, ये कौन लोग हैं, ये गैर मुतमइन्ना नफ्स है, ये तारीख की दलीलें आ गई। इधर देखिए उसके बाद जो तीसरा पैराग्राफ है उसमें 2 आयतें, उसमें अनफुस की दलील, ये जो नफ्स गैर मुतमइन होता है ना, जो गैर मुतमइन नफ्स है वो बेपेंदे का लोटा होता है, थाली का बैगन होता है, जब अल्लाह कुछ नेमतें देता है वो कहता है अकरमनी अकरमनी, परेशानी आ गई, कारोबार में नुकसान हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी आ गई, वो कहता है अहाननी, अल्लाह ने मेरी एहानत कर दी, यानी हर हाल में अल्लाह पर राजी नहीं होता, गैर मुतमइन आदमी है वो। ये कौन सी दलील है, ये अनफुस की दलील है, एक तारीख की दलील है, एक अनफुस की दलील।
अब आ जाइए इसके बाद जो चौथा पैराग्राफ है इसमें चार आयात है, इसमें समाजियात और मुआशियात से दलीलें दी गई हैं, सोसाइटी से दलील दी गई है। तो ये आदमी, ये जो नफ्स गैर मुतमईन होता है, तो वो उसके अंदर चार चार खराबियां होती हैं उसके अंदर, और वो चार खराबियां वो उसकी क्या हैं, उसकी जो चार खराबियां हैं, एक तो के यतीम का इकराम नहीं करता और मिस्कीन के खाने की फिक्र नहीं करता, माल की शदीद मोहब्बत में गिरफ्तार होता है और मीरास का मार खा जाता है, मीरास का माल मार के खा जाता है, यानी भाई की जायदाद पे कब्जा कर लिया, बहन की जायदाद पे कब्जा कर लिया, चचा की मामू की जमीन पे कब्जा कर लिया। ये गैर मुनस्सिद मादा परस्त है, मटीरियलिस्ट है। और जो पांचवा पैराग्राफ है उसमें बताया गया कि इसका अंजाम क्या होगा, आखिरी पैराग्राफ में नफ्स मुतमईना का अंजाम। तो यहां नफ्स, ये नफ्स गैर मुतमईना का लफ्ज आया नहीं है, ये छुपा हुआ है, आपको तलाश करना है। ये नफ्स मुजरिमा है, ये असल में, ये बात समझ में आ गई। फिर देखिए सूरह फजर को मैंने हलवा बना दिया है आपके लिए, आप उसको जरा, पहले पैराग्राफ में क्या है, आफाकी दलीलें हैं अक्लमंदों के लिए, ज़िहिज्र के लिए आफाकी दलीलें, दूसरे पैराग्राफ में तारीखी दलीलें हैं अक्लमंदों के लिए कि किस तरह ये बेवकूफ लोग थे, गैर मुतमईन लोग थे, तीसरे पैराग्राफ में अनफुस की दलीलें, अंदर की दलीलें हैं कि इंसान कितना नाशुकरा है, कुछ दो तो खुश हो जाता है और जरा आजमाइश आ गई तो कहता है कि अल्लाह ने मेरी बेइज्जती कर दी, अल्लाह का वफादार बंदा नहीं है वो, जैसे एक बेवफा बीवी होती है ना, खूब पैसे ला रहा है शौहर, बहुत खुश है, मेरे मियां बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, और जरा कारोबार जरा बैठ गए और कहता है कि बेगम अब कारोबार में नुकसान हो रहा है, जरा जेवर तो दे दो कि जो है तो तुम्हें बेच के कुछ हम अपने कर्ज अदा करें। अब वो कहते कि तुम, आप तो किसी काम के ही नहीं, निकम्मे, मेरा जेवर बेचेंगे आप, अब 20 साल से आपको ऐश कर रहे थे और उस वक्त वो सारी चीजें याद नहीं, बेवफाई की हद होती है ना, बेवफाई की हद होती है। तो इंसान भी अपने रब का बड़ा बेवफा है, इन्नल इंसान अली रब्बी लकनूत, ना शुक्रा है अपने रब का वो, तो वहां यही जिक्र है। उसके बाद का जो पैराग्राफ, उसमें बताया गया कि समाजी रवैये कैसे होते हैं उसके, जो आखिरत को नहीं मानता, जो नफ्स मुजरिमा है, जो नफ्स गैर मुतमईना है, यतीम का उसको ख्याल नहीं, मिस्कीन का उसको ख्याल नहीं, रिश्तेदारों के हुकूक का उसको ख्याल नहीं, माल की शदीद मोहब्बत में गिरफ्तार है और मीरास विरासत का माल मार के खा जाता है, हड़प कर जाता है, और उसका अंजाम क्या होगा, वही होगा, ला युअज़िबु अज़ाबहु अहद वला युसिक़ु वसाक़हु अहद, उसके बाद जो है नफ्स मुतमईना का जिक्र। तो पूरी सूरत का मरकजी मजमून क्या है, जरा मैं एक जुमले में पहले सूरतुल फज्र का बयान कर देता हूँ, किताब में देख लीजिए, बात समझ में आ जाएगी कि कुरान की दावत तौहीद व आखिरत कबूल करके अदल इज्तिमाई कायम करने वाले नफूस मुतमईना अल्लाह का तकर्रुब हासिल कर। यहां मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, अदल इज्तिमाई, नोट करो भाई, अदल इज्तिमाई सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। देखिए तौहीद और आखिरत के नतीजे में, तौहीद को मान लिया ना, कामिल तौहीद है, खालिस तौहीद है, जामे तौहीद है, कॉम्प्रिहेंसिव तौहीद है, आखिरत को मान लिया, जन्नत और दोज़ख, उसके बाद आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी हो गई, इतनी अच्छी हो गई कि आप सूफी नहीं बन गए, आप गोशा नशीन नहीं हो गए, आप जंगल में नहीं चले गए, आपने कहा कि मैं शादी नहीं करता, मैं सोसाइटी में नहीं रहता, मैं क्यों कमाऊं, मैं तो जंगलों में रहता हूं, मैं शादी क्यों करूं, नहीं नहीं नहीं, बल्कि आप कमाते भी हैं, मिस्कीनों का भी ख्याल करते हैं, आप जो है विवाहों का ख्याल करते हैं, आप यतीमों का ख्याल करते हैं, और आप अपने माशी मामलात में अपने हुदूद में रहते हैं, आप दुनियादार नहीं है, आखिरत पर निगाह है आपकी, और मीरास बिल्कुल ठीक ठीक अल्लाह के कानून विरासत के मुताबिक आप तकसीम करते हैं।
और ये इस पूरी सूरत का मरकजी मजमून है। तारीख से इबरत हासिल करो, अनफुस से और आफाक से दलीलें हासिल करो। चलिए जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल फज्र, फज्र की गवाही है। वलयालिन अश्र, और 10 रातों की गवाही है। वश्शफ़ी वल वतर, और ताक की जुफ्त और ताक की गवाही है। वल्लैल इज़ा यस्र, और जाप रात जब रुखसत हो रही है उसकी गवाही है। थोड़ा सा नीचे कीजिए, पूरी 5 आयत का। अच्छा चलिए, नहीं देख सकते तो इधर देखिए। अब हल फी ज़ालिका कसमुल लिज़ी हिज्र, अब यहां सवाल किया गया, क्या इसमें अकलमंद के लिए कोई दलील है? कसम का क्या मतलब है? दलील। कसम का क्या मतलब है? दलील। हल फी ज़ालिका कसमुल लिज़ी हिज्र, क्या अकलमंद के लिए इसमें कोई दलील है? देखिए गवाही क्या है इसमें। अब सुनिए, इसमें जो दलील है वो छुपी हुई है। जरा गौर से सुनिए, कॉपी पे लिख लीजिए। कभी ऐसा होता है कि दलील और मदलूल दोनों आ जाते हैं। जैसे इधर देखिए, वल असर, वल असर क्या है? दलील। मदलूल क्या है? इन्नल इंसान लफी खुसर। वल आदियात, ये क्या है? दलील है। कसम हो गया ना, जवाबी कसम क्या है? इन्नल इंसान अली रब्बी लकन। यासीन, ये वल कुरानिल हकीम, कुरान हकीम की गवाही। इसके साबित क्या मकसूद है? मदलूल क्या है इसका? इन्नका लमिनल मुरसलीन। समझ गए आप? वस्समाई ज़ाती रज, वल अर्द ज़ाती सद, ये क्या है? दलील है। दो दलील है, साबित क्या करना मकसूद है? इन्नहु लकौलुन फसल वमा हुआ बिलहज। लेकिन यहां पर मदलूल को छुपा दिया गया है। अच्छा देर देखिए कि फजर की गवाही क्या है अकलमंद के लिए, और वल फज्र, और 10 रातों की गवाही क्या है? 10 रातों की गवाही क्या है, और ताक और जुफ्त की गवाही क्या है, और रात जब रुखसत हो रही है, रुखसत होने वाली रात क्या कह रही है? देखिए सब आफाकी दलीलें आ गई ना, आफाकी दलीलें हैं। इधर देखिए आप, अच्छा फजर क्या कह रही है कि रात फजर हो गई ना, फजर का वक्त हो गया, रात ढल चुकी। अच्छा अब और 10 रातें क्या कह रही हैं? 10 रातें देखिए आप, महीने के 29 या 30 दिन होते हैं, और उसमें 10 पहली जो रातें होती हैं वो उसमें रोशनी पड़ती जाती है। दरमियानी जो 10 रातें होती है उसमें रोशनी बहुत ज्यादा होती है, रोशन रातें होती है, और उसके बाद घटती हुई रातें होती है। समझ गए बात? और रात रुखसत हो रही है, वो क्या कह रही है? रुखसत होने वाली रात क्या कह रही है? सुबह होने वाली। क्या मतलब? इधर देखिए, क्या मतलब है ये कि ये दुनिया एक रात है और आखिरत की सुबह तुलू होकर रहेगी। ये बिल्कुल वही बात है। सुनिए, इन दीन लबाक, सूरह ज़ारियात में क्या कहा गया? दीन वाक़ होके रहेगा, क़यामत आके रहेगी। यानी अल्हाक़ा, मल्हाक़ा, वमा अदराका मल्हाक़ा, ये हकीकत है, ये होकर रहेगी, ये शुद्ध नहीं है, ये वाक़ होके रहे, क़यामत आके रहेगी। तो अकलमंद लोग इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि रात ढल के रहेगी। आफाक, सारा आफाक क्या कह रहा है कि सबात एक तगैयुर को है जमाने में, यानी दुनिया बदल के रहेगी। लतरकबुन्ना तबकन अन तबक, या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, कि आप एक हालत से दूसरी हालत में जा रहे हैं। आप बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे की तरफ आपके बाल सफेद होते जा रहे हैं। हर दिन आपसे ये कह रहा है कि अगली मंजिल है, अगली मंजिल है। तो रात यही पैगाम दे रही है, 10 रातें भी यही कह रही हैं, और ताक और जुफ्त। देखिए ताक और जुफ्त क्या है, जरा इसको भी समझ लीजिए कि महीने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया महीना जो है हाकदा वहा कदा वहा कदा, यानी 30 का होगा, 10 और 10 और 10, और फिर फरमाया या फिर क्या होता है,
कर्जा हा कर्जा वो हा कर्जा, उसके बाद एक हाथ आपने एक कर लिया चार 29 का। तो कमरी महीना या तो 29 का होगा या 30 का होगा, 29 का या 30 का होगा। ये ताक और जुफ्त है, ताक और जुफ्त है। और ये सारी कि ये दुनिया अपने हाल पर कायम नहीं रहेगी, इस दुनिया का अंजाम होके रहेगा, आखिरत यकीनी है, जन्नत और दोजख यसीन यकीन। तो अकलमंद कौन, सुनिए, अकलमंद कौन लोग हैं, ज़िहिज्र कौन है, जो तौहीद को मान लेते हैं, आखिरत को मान लेते हैं। इधर देखिए, चलिए मैं अब जरा थोड़ी सी और वजाहत कर दूं आपको, जरा मुश्किल चीज है इसलिए वजाहत करनी पड़ती है। मैंने बताया ना कि आखिरी पारा बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जो अदब का तालिबे इल्म है, बलागत का तालिबे इल्म है, वो फौरन उसको समझ जाएगा और उससे मजा लेगा उससे। देखिए वहां जाइए सूरह आले इमरान पर, क्या कहा गया है, इन फी खल्क السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب। बिला शुबा आसमानों और जमीन की तख्लीक में, रात और दिन के इख्तिलाफ में आयात हैं, दलीलें हैं, किसके लिए, लिउलिल अल्बाब, अक्लमंदों के लिए दलीलें हैं, रात और दिन में और आसमान और जमीन की तख्लीक में। ठीक है, इसके बाद क्या कहा, अल्लज़ीना, ये अक्लमंद कौन है, ये अक्लमंद कौन है, अल्लज़ीना यस्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुदन व अला जुनूबिहिम व यतफक्करून फ़ी ख़ल्क़ि समावाति वल अर्ज़। ये आसमान और जमीन की तख्लीक पर गौर करते हैं और चलते हुए, बैठे हुए, लेटे हुए और गौर फिक्र करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, और सुनिए किस नतीजे पे पहुंचते हैं, वो कहते हैं रब्बाना मा खलक्त हाज़ा बातिला, तूने ये कायनात बेमकसद नहीं पैदा की, हमारे पैदा करने का एक मकसद है, हमें इम्तिहान लिया जा रहा है, हमें जन्नत या दोजख में दाखिल किया जाए। उसके बाद फौरन क्या कहते हैं, वो रब्बाना वकीना अज़ाब, वो कहते हैं अल्लाह दोजख के अज़ाब से बचा, आग से बचा। वो समझ जाते हैं कि आखिरत यकीनी है, सजा मिल के रहेगी, हमें जन्नत चाहिए, हमें दोजख नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये कौन है, ये उलुल अलबाब के बजाय यहां कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया गया, ज़िहिज्र इस्तेमाल किया गया। तो ये पूरी कायनात ये कह रही है कि इस दुनिया का इख्तिताम होने वाला है और एक सुबह तुलू होगी, और वो सुबह क्या है, वो कयामत है। अब यह पहला पैराग्राफ खत्म हो गया, पांच आयात, अब आ रही है देखिए तारीखी दलीलें। अलम थरा कैफ फ़अला रब्बुका बिआद, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तरा का मतलब है गौर नहीं किया, कि आपने गौर नहीं किया, देखा नहीं कि आपके रब ने आद के साथ क्या सुलूक किया, इरम कौम, इरम के साथ, ज़ातिल अहमाद, जो सुतूनों वाली कौम थी, यानी ऊंचे ऊंचे सुतून से वो मकानात बनाते थे। ये आद कौन है, जो वहां यमन और ओमान के पास हदरमौत के इलाके में, ये वादी अहकाफ में लोग थे, ये आद बड़े बदमाश लोग थे, तगड़े थे, छे छे फुट, हाँ, इसा बतश्तुम बतश्तुम जब्बारी, सुपर पावर थे। वो कहते थे मन अशद्दु मिन्ना कुव्वतन, हमसे बड़ी सुपर ताकत कौन, इसा बतश्तुम बतश्तुम जब्बारी, अतराफ अकनाफ में जाके जमीनों पे कब्जा कर लेते थे, जानवर चुरा लेते थे, औरतें उठा के ले आते थे, बदमाश थे ये रुक्स। तो अच्छा, इमारतें कैसी बनाते थे, अल्लती लम युकलक मिसलुहा फिल बिलाद, ऐसी ऐसी सुतूनों वाली इमारतें, ज़ातिल अहमाद, जो किसी मुल्क में, किसी शहर में ऐसी इमारतें नहीं तामीर की, लम युकलक मिसलुहा फिल बिलाद, ये उनकी तहजीब थी, ये उनकी सिविलाइजेशन थी, ऊंची ऊंची इमारतें बनाते, बड़ी गालिब कौम थी। अच्छा, अब दूसरे, उसके बाद अल्लाह कह रहा है दूसरी कौम, इनसे जो बचे हुए लोग थे, कौन थे वो जो बचे हुए लोग थे, हजरत हूद अलैहिस्सलाम रातों रात हिजरत करके वहां से निकल गए, और उनसे फिर उनकी जो अहले ईमान की जो कौम थी वो समूद बन गई। व समूद अल्लज़ीन जाबु सख्र बिलवाद, जाबु का मतलब है वो तराशते थे और चट्टानों को तराशते थे वादी के अंदर, वादी थी उनकी वहां बिलवाद। तीसरा किसका जिक्र हुआ, फिरऊन ज़िल अवतार, यानी इधर देखिए, अलम तरा कैफा फाला रब्बुका बिआद, इधर देखिए अलम तरा कैफा फाला रब्बुका बिसमूद, अलम तरा कैफा फाला रब्बुका बिफिरऊन,
वो अलम तरा तीनों के साथ लगा दीजिए आप, अलम तरा तीनों के साथ कि आपने गौर नहीं फरमाया कि आद का के साथ आपके रब ने क्या सुलूक किया, आपने गौर नहीं फरमाया कि समूद के साथ आपके रब ने क्या सुलूक किया, आपने गौर नहीं फरमाया तारीख में कि फिरौन के साथ। अब देखिए ये जिल औताद, ये इसको जरा समझ लीजिए, ये जरा मुश्किल लफ्ज है, ये जिल औताद यहां पर एक इश्तियारा है, उसको जरा समझिए। अगर ये नहीं समझेंगे ना आप, फिरौन को नहीं समझेंगे, आप कुरान के पैगाम को नहीं समझेंगे। जिल औताद देखिए, यहां पर एक इश्तियारा है एक शामियाने का। जब कोई डिक्टेटर आता है दुनिया के अंदर और कोई डिक्टेटर कौम आती है, जैसे अमेरिका को ले लीजिए, अमेरिका क्या है, एक डिक्टेटोरियल जो है एक निजाम है, एक गालिब निजाम है ना, एक हाकिमाना और आमिराना निजाम है, सारी दुनिया पे हुकूमत कर रहा है वो, समझे, उसके इदारे हुकूमत कर रहे हैं, उसकी फौज हुकूमत कर रही है, उसकी CIA हुकूमत कर रही है, उसकी FBI हुकूमत कर रही है, इसी तरह रूस है उसकी KGB। तो जिल औताद, अब ये जो शामियाना आप तामीर करते हैं, टेंट बनाते हैं ना, शादी का शामियाना आप तैयार करते हैं, तो शामियाना किस चीजों पे कायम होता है? एक तो बांस होते हैं, और वो होते हैं रोप्स होते हैं, और खूंटे होते हैं, और डोरियां क्या करते हैं आप, उसकी खूंटों से बांधते हैं और शामियाना मजबूत हो जाता है। जितने खूंटे मजबूत होते हैं और शामियाना होता है, और खूंटे अगर कमजोर है, हवा चली, शामियाना धड़ाम से गिर गया। अच्छा, ये शामियाने क्या होते हैं सुन लीजिए, ये जिल औताद, फिरौन जिल औताद, इसके खूंटे कौन थे? इसके कारून एक खूंटा था, हमान एक खूंटा था, इंटेलिजेंस उसके, उसके जो है फौज जुनूद और उसकी उसके जासूस जो सुनते थे कि बनी इसराइल के अंदर कोई बच्चा पैदा हुआ फौरन उसको जबा कर देते, नौमौलूद को जबा कर देते थे, वो एक जालिमाना निजाम है ना। देखिए ये अब अमेरिका में कालों ने बगावत शुरू कर दिए जुल्म के खिलाफ, तो ये एक जालिमाना निजाम है ना। बजायर वो कहते हैं कि हमारे नजदीक सब बराबर है, लेकिन वो ऐसा है नहीं, उनके अंदर वो नस्ली ताशुब कूट कूट कर भरा हुआ है। तो फिरौन जिल औताद, अच्छा अब तीन कौमा का जिक्र हुआ, एक आद, एक समूद, एक फिरौन। देखिए अब इनके बारे में मुश्तरका तौर पर दो तीन बातें आ रही, अल्लज़ीना तगौ फिल बिलाद, एक लफ्ज है यहाँ तगौ, ये सारी जो कौमें थी, तीन कौमें, ये सारी की सारी तागूती कौमें थी, अपने अपने मुल्कों में, अपने अपने शहरों में इन्होंने तगा से काम लिया, इधर इला फिरौन इन्हु तगा, और वहां कहा गया ना, क्या कहा गया, कज़बत समूद बितगवा, समूद क्या थी, तागी कौम थी। और अभी हमने क्या पढ़ा, हलाता का हदीसुल जुनूद फिरऔन व समूद, लश्कर थे ना, फौजें थी इनके पास। तो ये देखिए मुख्तलिफ शहरों में ये सरकशी करते थे, यानी वर्ल्ड वार इन्हीं की वजह से हुई। ये जापान पे बम किसने बरसाए, गल्फ वार किसने की, इराक के तेल के वसायल पर, कुओं पर किसने कब्जा कर लिया, यही है अल्लज़ीना तगौ फिल बिलाद फअक्सरू फीहल फसाद। देखिए और इस बस्तियों में इन्होंने क्या किया, इन्होंने फसाद बरपा किया। अब देखिए सऊदी अरब जैसी मुकद्दस सरजमीन पर ये सिनेमा घर कह रहे हैं कि सिनेमा घर तामीर करो, गंदी फिल्में दिखाओ यहां पर, ये पूरा देखिए अमारात को तो तबाह कर दिया उन्होंने, यानी पूरे आलम इस्लाम में मैं कहता हूं कि ऐ अल्लाह सबसे पहले अमारात को तबाह कर दे, दुबई को पहले तबाह कर दे, सबसे बड़ी जिस्म फरोशी दुबई में होती है, सबसे बढ़कर शराब नोशी दुबई में होती है, सारी दुनिया की जिस्म फरोश औरतें रूस से लेकर श्रीलंका से लेकर फिलीपीन से लेकर वो दुबई के अंदर आती है। तो ये क्या है, फअक्सरू फीहल फसाद, क्या है वहां पर, उरियानी, शराब नोशी, होमोसेक्सुअलिटी, जिस्म फरोशी, यही तो है, और क्या है दुबई के अंदर, क्या और क्या रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है वहां, उसको क्यों दुनिया में कायम रहना चाहिए, ये किसकी फैलाई हुई आफत है, ये तागूती कुव्वतों की। फाक्सरू फीहल फसाद, अब ये फसाद की मुख्तलिफ नौयतें हैं, फिर वो अब हमारे पास यहां मौका नहीं है किसी की तफसील में जाने के लिए। फिर क्या हुआ, फसब्बा अलैहिम रब्बुका सौता अज़ा,
ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब ने इनके ऊपर अज्जाद की घोड़े को उंडेल दिया। देखिए ये इस्तियारा है, देखिए अब जरा गौर से इसको समझिए। अब घोड़ा सऊद तो कहते हैं घोड़े को, सऊता आजाद, तो अब यानी घोड़ों को बारिश बना के पेश कर दिया, घोड़े नहीं देख जैसे कोई बारिश हो रही थी। इसके क्या मतलब, इधर देखिए, अच्छा ये कोड़ा किसका था, ये अजाब का कोड़ा था, यानी जब इनको मारा गया तो इनके एक एक जिस्म के एक एक हिस्से को तकलीफ हो रही थी। ये कोड़ा जब मारा जाता है ना, इधर देखिए, कोड़ा मारा जाता है तो पीठ पे मारे जाते हैं या टांगों पे मारे जाते हैं, पुश्त पे मारे जाते हैं, कोड़े यही होते हैं, जिस्म पे मारे जाते हैं ना, जाहिर है कि मुंह पे तो कोड़ा नहीं मारा जाता, सर पे तो कोड़ा नहीं मारा जाता, जिस्म पे मारे जाते हैं ना। लेकिन यहां तो उंडेल दिया ना, यहां तो सब्बा का लफ्ज आ गया, फसब्बा अलैहि, यानी उनको अजाब में नहला दिया गया, उनके उनके जिस्म के एक एक खलिये को अजाब दिया गया, उनके उनके जिस्म के एक एक बॉडी बॉडी को अजाब दिया गया, उनके रोंगटे रोंगटे को अजाब दिया गया। फसब्बा अलैहिम रब्बुका सौता अजाब, यानी अजाब में नहला दिया उनको, शावर, यानी यहां पर शावर का लफ्ज है। देखिए अब इसके बाद कहा गया, इन रब्बका लबिल मिरसाद, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिलाशुबा आपका रब, रब कौन है, निगरानी करने वाला, वो ताक में है, खात में है, वो मिरसाद, मिरसाद जैसे शिकारी होता है ना, ऊपर मचान पर बैठ, मचान डाल के दरख्त के ऊपर बैठता है, नीचे बकरी बांध देता है, और जैसे ही शेर आता है बकरी की आवाज सुनकर मार देता है, शेर को गिरफ्तार कर लेता है, ऊपर से बैठ के क्या करता है, वहां से जाल फेंकता है और जिंदा शेर को गिरफ्तार कर लेता है। तो घात है ना, घात, तो यहाँ घात का क्या मतलब है, वो टाइम देता है। देखिए ये अब फिर यानी हिटलर को टाइम दे दिया गया, हिटलर डाउन हो गया। अब रूस एक बड़ी कुव्वत के साथ आया, उसका जवाल आ गया, घात में है ना, उसके बाद तबाह कर दिया जाता है, जलजले से, आफात से, तुगयानी से, तूफान से, टोर्नेडो से। तो जिस तरह आद को, समूद को, फिरौन को पानी में गर्क किया गया, बिल्कुल इसी तरह होगा। तो इन रब्बका लबिल मिरसाद, इधर देखिए, तो यहां ये जो तारीख क्या कह रही है, आद की, समूद की, फिरौन की तारीख क्या कह रही है, सुनिए, इसमें जी हिजर के लिए क्या कसम है, क्या दलील है, हल्फी जाली का कसम लिजी हिजर, इसमें जी हिजर के लिए कोई दलील है, क्या दलील है, वो दलील ये है, इन रब्बका लबिल मिरसाद, आपका रब अंधा नहीं है, बहरा नहीं है, लाइलम नहीं है, देख रहा है, और वक्त जब पूरा हो जाएगा, 200-400 साल देगा, वो ढील देगा, पकड़ लेगा उसके, अमलई तू सुम्मा अखस्तु, मैंने पहले मोहलत दी, उसके बाद पकड़ लिया उसको, इन रब्बका लबिल मिरसाद। अब यहां दूसरा पैराग्राफ खत्म हो गया, अब यहां दो आयतें आ रही हैं, आयत नंबर 15 और 16। अब देखिए दो आयतें हैं और ये अनफुसी दलील है, इंसान और इंसान का जहां तक ताल्लुक है, इजा मबतलाहु रब्बहु, इंसान क्या है वो, इसमें जिन्स है, औरत, मर्द, बच्चे, बड़े, सब इसमें शामिल है, मुसलमान, गैर मुस्लिम, सभी। तो जब उसका रब, इंसान का रब, उसको किसी आजमाइश में मुबतला करता है, सुनिए यहां आजमाइश कौन सी है, लिख लीजिए आप आयत नंबर 15 में, ये सुख की आजमाइश है, कॉपी पे लिख लीजिए, ये सुख की आजमाइश, और आयत नंबर 16 में क्या है, वो दुख की आजमाइश। आजमाइशें दो किस्म की होती, तो जब उसको सुख दे दिया, नौकरी अच्छी हो गई, मैं हमारा एक दोस्त था, मेरे पास टेलीफोन आया, हमारे एक दोस्त की बेटी, समझे, अबटाबाद के थे वो, तो बेटी की शादी की और लड़का जो है कंप्यूटर इंजीनियर था, 70-80 हजार रुपए, पुरानी बात है, माहाना तनख्वाह थी उसकी, मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस, और नई नई शादी हुई, 6 महीने के बाद क्या हुआ कि एक्सीडेंट हो गया और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और वो हमेशा हमेशा के लिए पैरालाइज्ड हो गए। अब उनके वालिद ने, लड़की के वालिद ने मुझे कहा कि क्या करूं मैं, बीवी बेटी को तलाक दिलवा दो, तो खुला ले लो,
कितनी बड़ी आजमाइश है कि उसने एमएससी किया, 25-26 साल का, मुलाजिमत मिल गई, शादी हो गई, बड़ी खुशियां है ना, उसके बाद सडन क्या हुआ, उसकी खत्म जिंदगी, हमेशा के लिए बिस्तर पर है वो। और बीवी कह रही है कि मैं इसके लंगड़े के साथ, माजूर के साथ सारी जिंदगी गुजारूं, अभी बच्चा नहीं है, कहीं दूसरी शादी कर लेती हूँ, मैं क्यों रहूं इसके साथ। अच्छा, तो जब सुख देता है, पैसे दे रहा है, दौलत दे रहा है, फअक्रमहु, उसका इकराम किया, उस इंसान का इकराम किया, उसकी इज्जत अफजाई की, उसकी तकरीम की, वह नअमहु, उसको तनीम नेमतों से नवाजा, उसको तनीम, नअम युनइमु, तनीम नेमतों से उसको आरास्ता किया, तो अकड़ के कहता है, फयकूलु रब्बी अक्रमनी, अक्रमनी था असल में ये, लेकिन आहंग को दुरुस्त करने के लिए या को निकाल के अक्रमन कर दिया, असल में है अक्रमनी, उसने मेरी मेरा इकराम किया। उसके बाद क्या हुआ, चंद साल के बाद, वामा इजा मबतला, अब दुख के इम्तिहान में मुबतला किया, नौकरी चले गई, एक्सीडेंट हो गया, परेशानी आ गई, कारखाने को आग लग गई, गवर्नमेंट ने छापा मारा, फकदरा अलैहि रिस्क, उसका रिस्क तंग कर दिया गया, मुलाजिमत छिन गई, कारोबार में नुकसान हो गया, फयकूल रब्बी अहाना, बेवकूफ है ना, उसको कहना क्या चाहिए था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आजमा रहा है, दुख में भी अल्लाह का हूँ, तो भी अल्लाह ताला, वो कहता है मेरे रब ने तो मेरी तौहीन कर दी, अहाना युहीनु मुहीनुन एहानतुन, अल्लाह ने मुझे जलील कर दिया, मेरी एहानत कर दी। अच्छा देखिए, तकब्बुर है, मैं बहुत बड़ा हूं, मेरी बड़ी इज्जत थी, तो अल्लाह ने मेरी तौहीन कर दी, भाई तेरी हैसियत ही क्या है, तू बंदा है मामूली, तू अपने आप को बड़ी चीज समझ रहा है, तेरी हैसियत ही क्या है, तू पहले भी जलील था, तू जलील ही, अल्लाह के सामने तजल्लुल ही होता है, अल्लाह के सामने हम क्या चीज है, और अल्लाह से कह रहा है कि रब ने मेरी तौहीन कर दी, तो ले फिर बदला रब से, रब से लड़, फिर जीत कितना जीतता है देखेंगे, रब के मुकाबले में आ जा फिर। ये है कौन, ये बेवकूफ आदमी है, जिहिज्र नहीं है ये नफ्से मुतमईना नहीं है, ये नफ्से गैर मुतमईना है, नफ्से मुजरिमा है, और जैसे मैंने कहा ना, ये थाली का बैगन है, ये कौन है, ये कौन है, ये बेपेंदे का लोटा है, दो तो खुश रहता है, ना दो तो फिर बिगड़ जाता है, मुनाफिक भी इसी तरह का होता है। सुनिए कि आप उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कुरान के अंदर वहां के वही ओतू कि आप इनको कुछ दें, रदू, फिर राजी रहते, इनके मुंह में कुछ ना कुछ डालना होता है, कुछ डालते रहो तो खामोश रहते, जैसे ही कोई बुरा वक्त आ गया, ये हाथ छोड़ के चले जाते, ये पार्टी बदल के चले जाते हैं, वीजा रहते हैं कुछ, ये मिलती रही, इनको दाना पानी मिलता रहा ना ऊपर से तो ठीक है, वरना फिर ये पार्टी छोड़ के वो पार्टी, वो पार्टी छोड़ के ये पार्टी, ये इनका कोई ठिकाना नहीं होता। मूसा अलैहि सलाम की पार्टी को छोड़ के वो काफ की पार्टी में चले जाते हैं, कारून की पार्टी में चले जाते हैं, ये यही होते हैं, क्योंकि कारून क्या था, मूसा अलैहि सलाम के खानदान से था, उनका चचाजात भाई था, बनी इसराइल से था, मुफादात के लिए वो जो है फिरौन के साथ जाके मिल गए। अच्छा जी, अब यहां पर अगला पैराग्राफ शुरू हो रहा है, और ये पैराग्राफ किससे शुरू हो रहा है, कल्ला से शुरू हो रहा है। देखिए अब याद रखिए कि यहां सुनिए, कल्ला जो है, कल्ला और बल दोनों आ गए हैं यहां। अच्छा, यानी देखिए, जो तिलावत करने वाले होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं अक्सर, जो समझ सुनने वाले जो अच्छे कारी होते हैं, फयकूल रब्बी अहानन, उसके बाद कल्ला पढ़ते हैं, और कल्ला के बाद फिर वो रुकू करते हैं। यानी कल्ला को किससे जोड़ते हैं, वो पिछले दो आयात से जोड़ते हैं। यानी मतलब क्या है कि इस बेयकीनी के साथ, बेएतमादी के साथ, बेवफाई के साथ, अल्लाह के साथ बेवफाई है ना, कभी कहते हैं अकरमनी, कभी कहते हैं आहानी, दो तो खुश, न दो तो बिगड़ गए, नमाज ही छोड़ दी, भाई मैं क्यों नमाज पढ़ू, मैंने बड़े दाढ़ी रखी, नमाज पढ़ ली, अब देख देख लिया जी कुछ, सब फ्रॉड है, कुछ नहीं। तो ये क्या है, अच्छा मोमिन क्या होता है, हर हाल में क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल फी कुल्ली हाल, हर चीज, हर हालत में अल्लाह का शुक्र है, बीमारी में, तकलीफ में, खुशी में,
और इशरत में उसरत में अल्लाह का शुक्र है। अच्छा तो कल्ला कल्ला यानी तुम लोग अल्लाह ताला की रहमतों के मुस्ताहिक नहीं हो सकते, तुम लोग अल्लाह ताला के इम्तिहान में कामयाब नहीं हो सकते, तुम फेल हो गए हो, तुम अकलमंद नहीं हो, तुम बेवकूफ हो तुम लोग, बल्कि उल्टा तुम्हारा एक और भी मसला है। ये क्या मसला है? तुम्हारे जो समाजी रवैये है, देखिए अब यहां लिख लीजिए आप समाजी अदल से गुरेजा हो तो, और ये यानी सोशल जस्टिस की फिक्र नहीं है। देखिए एक तो आप क्या है, सुन लीजिए, अल्लाह को नहीं मानते, आखिरत को नहीं मानते, और जो लोग अल्लाह और आखिरत को मानते हैं वो भी जंगल में चले जाते हैं, वो ज़कात के निजाम पे अमल नहीं करना चाहते, वो जिहाद नहीं करना चाहते, वो सोसाइटी का एक जिम्मेदार फर्द बनना नहीं चाहते। आप सुन लीजिए, बल्कि तुम्हारी हालत क्या है, ला तुकरिमून अल यतीम, यतीम का इकराम नहीं करते। तो हिंदुस्तान में एक अदीब थे, तो एक नावल लिख रहे थे फाहिशा औरतों पर, तवायफों पर एक नावल लिख रहे थे, समझ गए? तो वो बंबई के उस मोहल्ले में गए जहां तवायफें रहती, दो तीन दोस्तों के साथ गए, और वहां जाकर वहां की औरतों से उन्होंने बात की। तो उन्होंने उनसे, एक खातून से जब बात की, तो उस खातून से कहा कि आपसे बात की तो, और ये उन्होंने कहा कि ये नावल लिखने से पहले खुद मैं गया ताकि मैं मेरे नावल में सच्चाई अपनी असली हालत में आ जाए। तो वो रोने लगी औरत, उसने कहा कि आप पहले मर्द हैं जिसने मुझे आपसे खिताब किया, आप पहले मर्द हैं, क्योंकि लोग तो हमें गालियां देते हैं और बुरी बुरी गालियां देते हैं, हमारी तहकीर करते हैं, हम हैं मताए कुचो बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह, हम तो बिकाऊ माल हैं हम। अच्छा अब यहां यतीम का क्या मसला है जरा समझ लीजिए, यतीम क्या कौन है? जैसे फर्ज कीजिए मेरे वालिद एक्सीडेंट में वफात पा गए और मेरे ताया हैं, यानी मेरे वालिद मिसाल के तौर पर, मैं 10 साल का था, मेरे वालिद 30-35 साल के थे, एक्सीडेंट में मर गए, तो मेरी वालिद की जायदाद पर मेरे ताया ने कब्जा कर लिया, या मेरे मामू ने कब्जा कर लिया, या तहसीलदार और पटवारी की मिली भगत से कब्जा हो गया, और मैं जाता हूं कहता हूं कि मेरी जमीन, मेरा गल्ला, मैं 10 साल का हूं, यतीम बच्चा, कहते खड़े रहे, ये कुर्सी पे क्यों बैठा है तू, तेरे कोई पैसा नहीं है, तेरा कोई गल्ला नहीं है, तेरी कोई जमीन नहीं है, तेरा कोई मकान नहीं है, यानी मुआशरे में यतीम की इज्जत नहीं है, इकराम नहीं है। अच्छा वजह क्या है, सुन लीजिए, वजह क्या है, उसका बाप मर गया है, नागहानी तौर पर उसका बाप मर गया है, नागहानी तौर पर उसका बाप मर गया है, तो इसलिए उसका इकराम नहीं होगा। ला तुकरिमून अल यतीम, यानी आप इंसानों को बराबर नहीं समझते, ये आपके जहन में एक कीड़ा है ना, तकब्बुर का एक कीड़ा है, ये इसका तो बाप ही नहीं है, ये ज़हनियत देखिए। वला तहादुना अला ताअमिल मिस्किन, और मुआशरे में आप एक ऐसी फजा पैदा नहीं करते, यानी आप मिस्कीन के खाने की तरगीब नहीं देते, यानी आपको कहना चाहिए हाँ भाई कितने लोग हैं, हम यहाँ 50 लोगों को खाना खिलाना चाहते हैं, और मैं इसके लिए 50 लोगों के लिए मैं 2000 रुपए दे रहा हूँ, आप कितने दे रहे हैं, यहाँ इस पूरी गली में हम एक टेंट लगा कर हम सब गरीबों को खिलाएंगे, तो एक कल्चर ऐसा होना चाहिए, एक ऐसी तहजीब होनी चाहिए जिसमें मिस्कीनों के बारे में फिक्रमंदी हो। देखिए इस्लामी माशरा क्या है, इसको जरा समझ लीजिए आप, कुरान ने बार बार इस पर तवज्जो दिलाई है कि आपकी नमाजें अपनी जगह है। देखिए क्या कहा गया, कलीलम मिनल लहली मा यहजू, रात में उठ के तहज्जुद भी पढ़ना है आपको, लेकिन वफी अमवालिहिम हक्कुल लिसाइल वल महरूम, लेकिन आप समाजी जिम्मेदारियों से कैसे फरार हासिल कर सकते,
यतीम का ख्याल कीजिए, मिस्कीन का ख्याल कीजिए। अब देखिए 500 रकात नफिल पढ़ रहे हैं आप, लेकिन लेकिन आपको आपका आपके रिश्तेदारों में मिस्कीन है, उसको आपकी फिक्र नहीं है, आप यतीम को आप झड़क देते, नमाजें खूब है आपकी। तो ऐसी दीनदारी अल्लाह के यहां मकबूल नहीं। अब यहां नोट कीजिए, नोट कीजिए ये बात कि अल्लाह ये चाहता है कि हम अल्लाह के हुकूक भी अदा करें और सोसाइटी की और मखलूक के हुकूक भी अदा करें। वताकुलूना तुरास अकलल लम, और तुरास का मीरास का माल पूरे का पूरा चट कर जाते हैं, हड़प कर जाते हैं उसको पूरे का पूरा। ए मफूल मुतलक है, देखिए ताकुलूना अकलल लम, पूरे का पूरा मीरास, यानी बाप का पूरा मकान है, बाप के चार बच्चे, एक बेटा पूरे मकान पर काबिज हो गया, एक बेटा पूरी जमीन पर काबिज हो गया, किसी को कुछ नहीं देता, बहनों को कोई हिस्सा नहीं दूंगा। ये है, ये ऐसा क्यों होता है, सुन लीजिए, ये बेवकूफ है ना, अगर वो आखिरत को मानता होता तो ऐसा क्यों करता। अच्छा ये सारों का सबब क्या है, इधर देखिए, यतीम का इकराम नहीं करता, मिस्कीन के खाने की तरगीब नहीं देता, और मीरास का सारा माल खा जाता है, माल की वतुहिबून अलमाल हुब्बन जम्मा, ये भी मफूल मुतलक है, माल की शदीद मोहब्बत में मुब्तला हो तुम लोग। समझे अब ये कल्ला, फिर कल्ला आ गया, देखो ये सब क्यों है, इसलिए कि आप अगर आखिरत पर यकीन होता और अल्लाह के की सिफात अदल पर यकीन होता कि अल्लाह इंसाफ करेगा, जन्नत और दोजख में डालेगा, और तारीख से सबक लेते हैं आपके, देखो फिरौन का क्या अंजाम हुआ, आद का और समूद का क्या अंजाम हुआ, तो आप ये रवैये ना होते, आप समाजी अदल से काम लेते, सोशल जस्टिस से काम लेते, पॉलिटिकल जस्टिस होती, इकोनॉमिक जस्टिस होती। यहां तो सुनिए, वोट तो 10,000 में वोट खरीदा जाता है, यहां मैं ऐसे, यहां पर गोलरा में एक आदमी था, यहां से इस्लामाबाद के अंदर, मैं खुद गवाह हूं इसका, हर आदमी को 5,000-5,000 देता, आज से कोई 15-20 साल पुरानी बात है, 15 साल पुरानी, 5,000-5,000 रुपए हर आदमी को दिए उसने। अब तो पिछले इलेक्शन में तो रेट बढ़ गया 10,000-15,000 पर पर्सन एक वोट का, तो इंसान की कीमत क्या है, 15,000 की कीमत है ना, आप 40,000 वो हिसाब करते हैं, 40,000 जरबे 5,000 पर पर्सन, 40,000 वोट लेना है आपको, पूरा कैलकुलेटेड उनका सिस्टम होता है, और उसके बाद वो पहुंच जाते हैं और उसके बाद सारा जुल्म करते हैं। तो ये नहीं, ये सब कौन से रवैये हैं, ये सोशल रवैये हैं और इकोनॉमिक बिहेवियर है। ये इकराम यतीम क्या है, ये सोशल रवैया है, ताम मिस्किन क्या है, ये माशी भी है और सोशल भी है, और ये मीरास क्या है, ये इकोनॉमिक बिहेवियर है आपका, और तुहिबून अलमाल हुब्बन जम्मा, ये भी इकोनॉमिक बिहेवियर। आप इसके साथ कामयाब होंगे कल्ला। अब यहां से कयामत का मंजर शुरू हो रहा है, इजा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, जब जमीन जो है वो चूरा चूरा कर दी जाएगी, रेजा रेजा कर दी जाएगी, जब जमीन यानी पहाड़ नहीं होंगे और पहाड़ जो है चलाए जाएंगे, और जैसे गुबार हो, जैसे डस्ट, पहाड़ जो बड़े बड़े पहाड़ है ना जो गड़े हुए, वजा रब्बुका वल मलकु सफन सफा। देखिए अब ये अदालत का मंजर है, अदालत का मंजर है, देखिए अब यहां पर एक जरा मुश्किल चीज है, इसको समझ लीजिए, अल्लाह की एक सिफत है मजी, मजी उन, अल्लाह आएगा। अब इधर देखिए, कहां से आएगा, कहां कैसे आएगा, कैफियत क्या होगी हम नहीं जानते, हम सिर्फ क्या कहते हैं, जैसे अल्लाह ताला की शान है, लेकिन आएगा यानी, और सुनिए, अदालत कायम हो जाएगी और फरिश्ते क्या होंगे, कतार में खड़े हो जाए, वल मलक सफन सफा, फिर क्या होगा, वजी अयौम इज़िम बि जहन्नम, और उस दिन जहन्नम को लाया जाएगा। देखिए और दूसरे, पहले क्या हम बहन बात कर चुके हैं, वो उज़लिफतिल जन्नतु लिल मुत्तकीन गैर बईद, और उज़लिफतिल जन्नत को करीब लाया जाएगा, यहां क्या फरमाया जा रहा है, वजी जहन्नम लाई जाएगी उस दिन, क्या मतलब है इसका, देखिए मंजर को, फरिश्ते आ गए और अल्लाह रब्बुक आपका रब आएगा, आपका रब आएगा, जा रब्बुक,
अदालत का मंजर है, कयामत की अदालत, और कोई नहीं बोल सकेगा, ला यतकल्लम, फरिश्ते लाइन में खड़े हुए, यानी फटाफट फैसले और फटाफट इंसाफ और फटाफट लोग जन्नत में और दोज़ख में दाखिल किए जाए, कोई डिले नहीं होगा, जैसे यहां दुनिया की अदालतें होंगी ऐसी नहीं, बिल्कुल नामे अमाल तैयार होंगे, रिकॉर्ड तैयार होगा। यौम इज़िन यतज़क्करुल इंसान, उस दिन ये इंसान, कौन सा इंसान, वही बेपरिंदे का लोटा जो कहता था रब्बी अकरमनी और कभी कहता था रब्बी अहानी, वो जो है कहेगा, वो याद करेगा, वह अन्ना लहुस ज़िक्रा, लेकिन उस वक्त उसका सोचना और पछताना, यहां जिक्रा का क्या मतलब है, पछताना, उसकी नदामत, उसकी शर्मिंदगी क्या काम आएगी। यकूलू, और वो कहेगा या लैतनी कद्दमतु लिहयाती, कहते कि हाय मेरी बदबख्ती, या लैतनी, काश मैंने, लिहयाती, सुनिए यहां पर लिहयाती का मतलब है लि आखिरती, लि जन्नती, काश मैंने अपनी आखिरत के लिए कुछ पेश किया होता, कद्दम तो पेश किया होता। हयाती, आखिरत को क्या कहा गया, हयात, वो क्या है, आखिरत क्या है, दारुल हैवान है, वो असल जिंदगी वो है, ये नहीं है, ये वल आखिरत खैरू, वल आखिरत खैरू व अबका, आखिरत ज्यादा बेहतर है, ज्यादा पायदार है। तो हयाती, हयाती मेरी जिंदगी, काश मैंने अपनी जिंदगी के लिए कुछ पेश किया होता, या लैतनी, काश, अफसोस, नदामत। फयौम इज़िन, उस दिन, ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद, सुनिए अल्लाह ऐसे अजाब देगा, ऐसा अजाब देगा कि दुनिया में कोई नहीं दे सका, कोई FIA, कोई CIA, कोई KGB, कोई मोसाद, कोई रा, कहते हैं रा का अजाब बड़ा सख्त होता है, नाखून निकाल देते हैं, उल्टा लटका देते हैं, धुआं देते हैं, एजेंसी यही करती है ना, तकलीफ पे तकलीफ, तकलीफ दे दे के मारती है उनको। तो ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद, तो ऐसा अजाब देगा कि ज़ाहिर है कि कोई मखलूक ऐसा अजाब नहीं दे सकती। ये भी क्या है, तौहीद है, देखिए अल्लाह की, खालिक का अजाब क्या मखलूक के अजाब की तरह हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा। वला युसिकु वसाकहु अहद, और कोई उसकी तरह नहीं बांधेगा। वसाक कहते हैं, वसाक कहते हैं बांधना रस्सियों से, और देखिए जेल तोड़ के भाग जाते हैं ना, बड़े बड़े मुजरिमों को देखा होगा, लोग अमेरिका की जेल तोड़ के आ जाते हैं, वो हिंदुस्तान की तहाड़ जेल है उसको तोड़ के निकल गए लोग, तोड़ने वाले क्या क्या नहीं करते, लेकिन अल्लाह की जेल से कोई निकल के नहीं भाग सकता। ऐसे बांधेगा, ऐसे जकड़ेगा कि ये तौहीद का मजमून है, कोई और नहीं हो सकता। अब यहां आखिरी पैराग्राफ है, या अय्यतुन नफ्सुल मुत्मइन्ना, ए नफ्स मुत्मइन, ए नफ्स मुत्मइन, या अय्यतुहन नफ्सुल मुत्मइन्ना, अच्छा ये इत्मीनान है ना, इत्मीनान किस चीज पर है, देखिए जो अल्लाह ने दिया ना, फर्ज कीजिए अल्लाह ने आपको चार बेटियां दी, बेटा कोई नहीं दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने आपको चार बेटे दिए, कोई बेटी नहीं दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने आपको कुछ बेटे कुछ बेटियां दिया, और अल्लाह ने आपको कुछ नहीं दिया, पहली भी शादी की कुछ नहीं हुई, औलाद नहीं हुई, दूसरी शादी की उसे भी औलाद नहीं हुई, बांझ रख, ये अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह के फैसलों पे राजी रहो। अल्लाह ने आपको चपरासी बनाया, चपरासी पे रही अपना, आपको क्लर्क बनाया, क्लर्क ही पे नाश कीजिए, कर कलर की खा डबल रोटी फूल से, तो ये मुतमईन रहिए आप, मुतमईन रहिए आप। और इसी तरह अल्लाह ने आपको अफसर बनाया, ये डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, जो भी बनाया है आपको, हाकिम बनाया, महरूम रहे, मुतमईन रहिए। फिर देखिए अंधा बनाया, काला बनाया, गोरा बनाया, खूबसूरत बनाया, ये नफ्स मुतमईन क्या है, अल्लाह के वसाइल पर बिल्कुल राजी रहना, मुतमईन रहना, और हर्फ शिकायत जबान पर ना लाना, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, जैसे वो गोरे कहते ना, वाई मी, वाई मी, वाई मी, मेरे साथ क्यों हुआ, ये वाई मी क्या है, ये एक नफ्सियाती बीमारी है, वो इस दुनिया को नहीं समझते कि यही तो इम्तिहान है, यहां अमीर भी इम्तिहान है, गरीब भी इम्तिहान में, खूबसूरत भी इम्तिहान में, बदसूरत भी इम्तिहान में,
यहाँ हाकिम भी इम्तिहान में, रियाया भी इम्तिहान में, सब इम्तिहान में, मैं भी हूं इम्तिहान में, तू भी है इम्तिहान। अच्छा, अभी नफ्से मुतमईन से कहा जाएगा, फरिश्ते कहेंगे, अल्लाह ताला फरमाएगा इरजी इला रब्बिक, ये फरिश्ते कहेंगे अपने रब की तरफ चल। अब यहां दो लफ्ज बड़े जरा मुश्किल है, जरा इसको समझ लीजिए, बहुत मुश्किल लफ्ज है, बहुत मुश्किल लफ्ज है, इसको जरा समझिए आप। तो रजिया यर्दा, रजिया यर्दा, रजिया यर्दा बाप समिया से है, इससे एक फाइल होता है राजी, राजी रहने वाला, और इसका मफूल है, इसमें मफूल क्या है, मर्जी। और राजी जो राजी रहने वाला है, राजी की बीवी है राजिया, राजी की बीवी है राजिया, राजी रहने वाली। और मर्जिया जो है, मर्जिया ये मर्जीयुन की बीवी है मर्जिया। अच्छा, अब देखिए ये दो लफ्ज हैं, ये कुरान मजीद की दो खास इस्तेलाहात हैं। यानी देखिए, इसके लिए दूसरी जगह फरमाया गया रदियल्लाहु अन्हुम व रदू, अल्लाह उनसे राजी हो गए, व रदू अनहु, और वो राजी हो गए, रदू अनहु का मतलब है अनिल्लाह, वो अल्लाह से राजी हो गए, अनहु अल्लाह से राजी हो गए। तो मैं बार बार ये कहता हूं कि कामयाबी के लिए क्या चाहिए, दो तरफा रजामंदी हो, है ना, उसके बगैर निकाह नहीं हो सकता। आप कहते हैं कि मैं राजी हूं, वो लड़की कहती है कि मैं राजी नहीं हूं, तो निकाह कैसे होगा। बात तो उस वक्त बनेगी, जन्नत पे आप उस वक्त जाएंगे जब दो तरफा रजामंदी हो, तो एक तरफा रजामंदी का कोई एतबार नहीं। तो वो नवाब मुस्तफा खान शेफ्ता ने कहा है कि शायद इसी का नाम मोहब्बत है शेफ्ता, शायद इसी का नाम मोहब्बत है शेफ्ता, दोनों तरफ हो आग बराबर लगी हुई, दोनों तरफ है मोहब्बत में, दोनों तरफ आग हो फिर बात बनती है ना, अल्लाह भी आपसे राजी हो, आप भी अल्लाह से राजी हो। तो राजिया क्या चीज है, सुन लीजिए, लिख लीजिए, राजिया का मतलब है वो नफ्स, वो नफ्स मुतमईना जो अल्लाह के फैसलों से, अल्लाह की तकसीम से, अल्लाह के कानून से, अल्लाह की शरीयत से राजी हो। ये वो इंसान है, वो अच्छा इंसान है, वो वली कामिल है, वो अच्छा मोमिन है, वो वली मोमिन है, वो जो अल्लाह के हर फैसले पर राजी है। पांच वक्त की नमाज है राजी हूं, जकात 2.5% राजी हूं, नो प्रॉब्लम दूंगा, हज करूंगा, वालिदैन की इताअत करूंगा, उफ नहीं कहूंगा, रिश्तेदारों का अदा करूंगा, अल्लाह जो फैसला कर रहा है आपका, अल्लाह चपरासी बनाया राजी हूं, अंधा बनाया राजी हूं, अल्लाह ने दो टांगे ले ली लंगड़ा कर दिया राजी हूं, अल्लाह के हर फैसले पर राजी हूं, छोटा रिस्क दिया, बड़ा रिस्क दिया, कुशादगी दी, तंगी दी, राजी हूं। अच्छा, अब मर्जिया अल्लाह कब राजी होता है, सुन लीजिए, मर्जिया क्या है, अल्लाह राजी हो जाए आपसे। अच्छा, अल्लाह जो है दो दो शरायत हैं जब अल्लाह राजी होता है। पहली चीज ये कि जो अमल भी आप करें वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए करें, गैरुल्लाह के लिए ना करें, दिखावे के लिए ना हो, रियाकारी करने और खालिस हो, उसमें मिलावट ना हो, अमेरिका के लिए ना करें और वलियों के लिए ना करें, दुनिया के लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए नहीं, अल्लाह के लिए जो कुछ मैं कर रहा हूं अल्लाह के लिए कर रहा हूं। पहली चीज ये इखलास, इखलास प्यूरिटी ऑफ इंटेंशन, नीयत खालिस हो बिल्कुल। और दूसरी चीज ये है कि अल्लाह उस वक्त राजी होता है जब अमल सुन्नत के मुताबिक हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक। अगर अमल बिदत का है अल्लाह राजी नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर आपने 12 रबीउल अव्वल को 10 लाख रुपए खर्च किए और चरागाह की रोशनी, कई लोगों को खाना खिलाया, चरागाह हो गए, शब बरात में आपने 20 देगे हलवे बांट लिए आप और बहुत रोशनी लगा दी, आप कहते हैं अल्लाह मैंने देखो 11 रबी लेवल, समझे 12 रबी लेवल को मैंने इतने पैसे किए, 11वीं पे इतने किए और 12 रबी लेवल पे इतने पैसे, 20 लाख रुपए मैंने खर्च किए, इतनी रोशनी की, इतनी लाइट का बिल मेरा इतना आया, मैं देख
तेरे लिए मैंने ये किया। अल्लाह कहेगा लेकिन मैं राजी नहीं हूं, तू राजी है मुझसे लेकिन मैं राजी नहीं हूं तुझसे, तूने बिदत का अमल किया है, गलत अमल किया है, सुन्नत की खिलाफ वर्जी की है, तेरे मुंह पे मार दी जाएगी ये सारी लाइटें, ये सारी रोशनियां, ये शब्बरात के सारे हलवे और ये शब्बरात की सारी देगें तेरे मुंह पे मार दी जाएंगी। तो ये देखिए नफ्स मुतमईना क्या है, वो ये दो जज्बात का इम्तिजाज है, राजिया भी हो और मर्जिया भी हो। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला कहता है फदखुली फी इबादी, ए नफ्स मुतमईन मेरे बंदों में दाखिल हो जा। मैंने पहले भी कहा था कि जन्नत जो है वो कोई बेआबाद घर नहीं है, कोई वो तन्हाई का घर नहीं है, अकेलेपन का आपको शिकार नहीं होना पड़ेगा, एक आबाद महफिल है। और वहां मेरे बंदे, देखिए मेरे बंदे क्या मतलब, मेरे वफादार, यानी मेरे अंबिया, मेरे रसूल, मेरे औलिया, मेरे शुहदा, मेरे वफादार, मेरे बंदे, मेरी गुलामी करने वाले और मेरे चश्मों अबरू के इशारों पर काम करने वाले, मेरे बंदे, मेरे बंदे, मेरे वफादार, उन लोगों की महफिल में आ जाते। वदखुली जन्नती, अब यहां इबादी को भी अल्लाह ने अपनी जात से खास किया है और जन्नती को भी अपनी जात से खास किया, मेरे खास बाग में दाखिल हो जा, मेरे बंदों में दाखिल हो जा। वदखुली जन्नती, ये मेरी खास जन्नत है, मेरा खास बाग है, उसके अंदर दाखिल हो जा। यानी इसमें भी एक इज्जत अफजाई है, इकराम है, और इसमें एक एक पैगाम ये भी है कि ये चीज मैंने छुपा के रखी है, एक खास इनाम होगा और ऐसी जन्नत, ऐसा बाग जो आपने न देखा और न सुना, और ऐसी नेमतें जिसका आपकी चश्मे तस्वुर ने भी इहाता नहीं। तो ये सूरतुल फज्र का मजमून था। अब आ जाइए सूरतुल बलद की तरफ। सूरतुल बलद की तरफ 20 आयात पर मुश्तमल ये सूरत है और इसका मरकजी मजमून वही है कि सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, देखिए समाजी अदल, इसके लिए यहाँ एक खास लफ्ज इस्तेमाल किया, ये कुरान की खास इस्तेला है, आकबा, एक घाटी है, एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी को सर करना है। जैसे देखिए वो माउंट एवरेस्ट को आप क्रॉस करते हैं, उसको जाके झंडा गाड़ते हैं, केटी के ऊपर जाके अपना झंडा गाड़ देते हैं, तो यहाँ भी एक घाटी है, एक आकबा है, उसको उबूर करना है। और वो क्या है, वो सोशल जस्टिस। पिछली सूरत में भी ये मजमून था, इस सूरत के अंदर भी ये मजमून है यहाँ। और यहाँ पर आखिर में इधर देखिए, वहां पर सूरह गाशिया में पहले बताया गया था दो मुख्तलिफ लोग होंगे ना, उनका अंजाम मुख्तलिफ होगा, वजूह यौम इज़िन खाशिया, वजूह यौम इज़िन नाइमा। अब यहां पर आखिर में बताया गया है कि असाबुल मैमना और असाबुल मशअमा का अंजाम किस तरह मुख्तलिफ होगा। अच्छा जी, चार पैराग्राफ हैं इसके। तो पहले पैराग्राफ में बताया गया है कि ये जो दुनिया है ये एक मशक्कत की जगह है। देखिए वहां इंशिकाक में क्या कहा गया था, या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक, तू मशक्कत कर रहा है, मशक्कत करते हुए, पापड़ बेलते हुए अपने रब से मुलाकात की तरह आगे बढ़ रहा है ना। मैट्रिक किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन की, शादी की, मुलाजिमत, बिजनेस, दौड़ धूप कर रहा है सारा, बच्चों को स्कूल ले जा रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चों की शादियां कर रहा है, जिंदगी का कहां जा रहा है तू, रब से मुलाकात। तो यहां भी अल्लाह ताला बता रहा है कि इंसान को के लिए ये मशक्कत है, इंसान के लिए, और उसको इंतखाब करना है नश्तैद में से, फ्रीडम ऑफ चॉइस में से, अल्लाह के रास्ते को उसको इख्तियार करना है, और इसी के नतीजे में वो असाबुल मैमना में शामिल हो सकता है। और इसके लिए असाबुल मैमना कौन है, खुदा वाले लोग हैं लेकिन सूफी नहीं है, राहिब नहीं है, तारीखुद दुनिया फकीर नहीं है, दुनिया में भरपूर हिस्सा लेते हैं, ये समझ लीजिए आप, वो मजमून आ रहा है, फिर मैं बताऊंगा आपको। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ला उक्सिमु बिहादल बलद। अब ये ला के बारे में पहले भी बता चुका हूं मैं, ला उक्सिमु बिल यौम, ये ला क्या है सुनिए, नहीं नहीं नहीं, तुम जो समझ रहे हो गलत
غلط غلط, تمہارے دماغ میں جو تصورات ہیں سب غلط. میں بلکہ میں گواہی پیش کرتا ہوں اس شہر کی, ہذا البلد یعنی مکے کی قسم ہے, مکے کی گواہی ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت حل بهذا البلد, تو اب یہاں سنیے, حل حل جو ہے اصل میں ضد ہے حرم کی, اور تو اس کے جو ہے دو مفہوم بیان کیے گئے. پہلا تو یہ ہے کہ آپ یہاں کے رہنے والے ہیں, دوسرا یہ کہ آپ کو یہاں حلال کر لیا گیا, حالانکہ یہ کیا ہے, بلد حرام ہے, یہ بلد امین ہے, یہ سمجھے یہاں پر ظلم و ستم حرام ہے, یہاں پر یہاں کسی کو یہاں درخت بھی نہیں اکھاڑا جا سکتا, یہاں پر یعنی مسجد حرام ہے, بلد حرام ہے, بلد امین ہے, امن کا شہر ہے یہ, لیکن یہاں آپ کو تکلیف دی جا رہی ہے, یہاں مسلمانوں پر تکلیف کا ہے. وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد, اور والد کی بھی گواہی ہے اور ان کی اولاد کی بھی گواہی. اب دیکھیے جو والدین تھے, والدین تھے یہ سارے کے سارے کون تھے, یہ مشرکین تھے, اور اولاد جو تھی سب کی سب کیا تھی, یہ مومن ہو گئی تھی, نوجوان تھے سارے صحابہ. جیسے ہم نے کہا نا کہ حضرت علی کتنے سال کے تھے, 10 یا 12 سال کے تھے, زبیر بن عوام کتنے کے تھے, 17 سال کے تھے, عبد الرحمن بن عوف کتنے تھے, 17-18 سال کے تھے, طلحہ کتنے سال کے تھے, 16-17 سال کے تھے, سعد بن ابی وقاف کتنے تھے, 16-17 سال کے تھے, حضرت ابو بکر البتہ 38 سال کے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے تھے, 2 سال چھوٹے تھے, حضرت عثمان تقریباً 27-28 سال کے تھے, حضرت عمر بھی تقریباً 28 سال کے تھے. تو یہ جتنے آپ کو یہ بلال ہیں اور قبیب ہیں اور عمار بن یاسر ہیں اور زید بن ارقم ہے اور یہ زید بن حارثہ ہیں, جتنے آپ کو سابقون الاولون ملتے ہیں, یہ سب کیا تھے, یہ مسلمان تھے. تو اب یہاں پر یہ ظلم و ستم کی چکی ہے مکے کے اندر, 50-100 لوگ مسلمان ہوئے ہیں, تو یہ جو ہے شہر گواہی دے رہا ہے, اور یہاں پر آپ پر جو ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے وہ گواہی دے رہا ہے, یہاں پر ظلم کرنے والے گواہی دے رہے ہیں اور ظلم سہنے والے گواہی دے رہے ہیں. لقد خلقنا الانسان فی کبد, بلا شبہ انسان کو یعنی مشقت کے اندر پیدا کیا گیا ہے. تو یہ دنیا کیا ہے, دار امتحان ہے, یعنی یہ کیا مطلب ہے, دیکھیں ایمان لانے کے بعد ان تکالیف سے گزرنا پڑے گا, یعنی مالی حالات بھی تنگ ہو سکتے ہیں, ہجرت بھی کرنی پڑ سکتی ہے, ملازمت بھی جا سکتی ہے, آپ کی جیل میں ڈالا جا سکتا ہے, تشدد کیا جا سکتا ہے, مارا جا سکتا ہے, قتل کیا جا سکتا ہے. توحید کے بعد تو یہ ہوتا ہے, یہ آزمائشیں ہو کے رہیں گی, اور کہاں ہو رہی ہیں, بلد امین میں ہو رہی ہیں, اس شہر کے اندر ہو رہی ہیں. اب یہاں پر دو سوال آئے ہیں, ذرا سنیے. اب یہ قریش کے ایک لیڈر کا یہاں منظر ہے, ایحسب اللہ یقدر علیہ احد. اب دیکھیے یہاں لکھ لیجئے آپ, اللہ کی قدرت کی دلیل ہے, یہ آیت نمبر 5 میں, اور آیت نمبر 7 میں سنیے اللہ کے علم کی دلیل ہے. اور یہ دو مضامین قرآن میں بار بار یکے بعد دیگرے آتی ہیں, قدرت کا اور ایک علم کا. اللہ کیا ہے, علی کل شیء قدیر ہے, اور بکل شیء علی, علم رکھتا ہے قدرت بھی رکھتا ہے. تو کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس پر قادر نہیں ہے, کوئی اس پہ پکڑ نہیں سکتا اس کو, کوئی سزا نہیں دے سکتا اس کو, کیا انسان اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے؟ ایہ سب, کیا وہ خیال کرتا ہے, کیا دیکھیے ایہ سب کیا مطلب ہے, کیا وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ وہ خود بہت بڑی طاقت ہے, وہ جو ہے اپنی جگہ فرعون ہے, اس کے اوپر کوئی نہیں ہے, اور کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو اس کو پکڑ سکے, اس کے اوپر قدرت رکھ سکے, اور وہ بڑے اس سے کہتا ہے یقول اہلکت مال لبدا, وہ کہتا ہے اکڑ کے, ہاں جی میں نے بہت سارا مال لٹا دیا, غریبوں کے لیے نہیں, مسکینوں کے لیے نہیں, بلکہ عیاشی میں, جوئے میں, شراب میں, عورتوں پر, مجروں میں, حجروں میں لٹا دیا مال, اہلکت مال لبدا, عیاشی میں اڑا دیا نا. اور اس کے بعد دوسرا سوال دیکھیے آپ, ایحسب الم یرہ احد, کیا وہ یہ غلط فہمی میں, کیا وہ خیال کرتا ہے کہ کسی نے دیکھا نہیں
अल्लाह तो देख रहा है, वह बिकुल्ली शईन बसीर, वह अला कुल्ली शईन शहीद। अच्छा ये दो सवाल हो गए, अब सुनिए, अब अगला पैराग्राफ शुरू हो रहा है। अलम नजअल लहु अयनैन वलिसानं वशफतैन वहदैनाहुन नजदैन। इधर देखिए, नजदैन, नजदैन जो है नजद जो है रास्ते को कहते हैं, दो रास्ते, और नजदैन से मुराद सुन लीजिए घाटी भी लिया गया है, और नजदैन से जैसे मैंने कहा कि औरत की तो छातियां भी ली गई है इससे, लेकिन सिलसिले कलाम में हम देखेंगे कि आगे क्या इसका मतलब है। पहला सवाल सुनिए, क्या हमने इंसान को दो आंखें नहीं दी, अलम नजअल लहु अयनैन अयनैन। दूसरा सवाल, अलम नजअल लहु लिसानन व शफतैन, क्या हमने एक जबान, एक जबान और शफतैन दो होंठ नहीं दिए। सवाल है, ए नाशुक्र इंसान गौर तो कर, वहदैनाहु नजदैन, और दो रास्ते उसके सामने नहीं रख दिए, दो रास्ते उसके सामने नहीं रख दिए, एक खैर का रास्ता एक शर का रास्ता, एक सच्चाई का एक झूठ का, एक हलाल का एक हराम का। और यहां ये भी मतलब है इसका, जैसे वहां मैंने बताया कि कद्दरा फहदा, तकदीर मुकर्रर की और उसको हिदायत दी, लेकिन फलकता हमल अकबा, इन सारी नेमतों के बावजूद इंसान इतना नाशुकरा, इतना नाशुकरा, इतना बेवफा है, उसने वो घाटी अकबा को उबूर नहीं किया। ये अकबा क्या है सुन लीजिए, ये अकबा क्या है, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, इस बात को समझे। इस देखिए, इस्लाम कहां से शुरू होता है, तौहीद से, और आगे कहां जाता है, रिसालत पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मान लेना और तमाम रसूलों पर ईमान लाना, उसके बाद आखिरत पर ईमान लाना, इसके बाद क्या चीज है अमल में, सबसे पहले नमाज, इसके बाद क्या चीज है कि आप सोसाइटी में रहें, मुआशरे में रहें, मिलजुल के रहें और मुआशरे का हक अदा करें, जकात दें, आप कमाएं, पैसे जमा करें, रिश्तेदारों को दें, वालिदैन पर, बीवी पर, बच्चों पर खर्च करें, ये नहीं कि जंगलों में भाग जाएं। देखिए अकबा क्या है, ये सुनिए, वमा अदरा कमल अकबा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जानते हैं कि अकबा क्या है, आप जानते हैं कि क्या है ये, या कबा, ये घाटी, ये क्या है, फक्कु रकबा, सुनिए, गर्दन छुड़ाना। यहां पर गर्दन पे किसका पाऊ है, यहां तो गोरे का पाऊ है, गर्दन पे दबा के जो है जान निकाल देता है, गर्दन किसके हाथ में है, गोरे के हाथ में है, पाकिस्तान की गर्दन किसके हाथ में है, आईएमएफ के हाथ में, गोरे के हाथ में पड़ी हुई। तो इंसानों को याद रखिए, बहुत बड़ा काम क्या है ये मूसा अलैहिस्सलाम की, इंसानों को आजाद कराना। मूसा अलैहिस्सलाम का कारनामा क्या है, बनी इसराइल को उन्होंने गुलामी से नजात दिलाई। रसूलुल्लाह सल्लम की शान क्या है, यदउ अनहुम इसराहुम वल अगलाल लती कानत अलैहि, लोगों के गर्दनों में जो फंदे हैं गुलामी के उससे आजाद करते। आखिरी खुतबे में क्या है, काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं, गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं, अरब को अजम पर, अजम को अजम पर कोई फजीलत नहीं, इंसान सब बराबर, सब आदम की औलाद है और आदम मिट्टी से पैदा की। तो इन जब इस्तेहसाली कुव्वतें लोगों को गुलाम बना लेती हैं, उनको सेकंड क्लास सिटीजन समझती हैं, उनको स्लेवरी आम हो जाती है, तो गुलामी से आजाद कर। अच्छा ये गुलामी किसकी होती है, ये जिस्मानी गुलामी भी होती है, जहनी गुलामी भी होती है, फिक्री गुलामी भी होती है, अकीदे की गुलामी भी होती है, पीर आपको जकड़ लेते हैं और फजूल जो है अकायद में आपको गिरफ्तार करते हैं। तो गर्दन छुड़ाना, गर्दन छुड़ाना यानी लोगों को गुलामी से नजात दिलाना, या फिर या कबा क्या सुनिए, औ इतआम, लोगों को खाना खिलाना, फी यौमिन ज़ी मसगबा, यानी एक मसगबा तो कहते हैं भूख को, और भूख के दिन जब लोग, देखिए आजकल कोरोना की वजह से लोग भूखे हैं, यानी मैंने ये मंजर देखा है ये कोरोना के अय्याम में कि लोग मोटरसाइकिल पर हैं, बीवी है, बच्चा है, और वो भीख मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं, कि मोटरसाइकिल पर है उसके पास,
वो जो है कौन है, वो प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, काम करने वाला है, मिस्त्री है, उसके पास मोटरसाइकिल है, लेकिन लेकिन खाने के लिए पैसा नहीं है उसके पास, क्योंकि मुलाजिमत नहीं है, रोजगार नहीं है उसके पास। तो ये क्या है, ये मसगबा का दिन है, ये कौन सी, ये कोरोना के अय्याम कौन से दिन है, ये भूख के दिन है, ये यौमिन जी मसगबा। और किसको खिलाना है, यतीमन जा मकरबा। देखिए अब दो चीजें हैं यहाँ पर, एक यतीम का हक अलग है, और यानी वो चूंकि रिश्तेदार भी है, जा मकरबा है, जू मकरबा है वो, इसलिए डबल हक हो गया उसका, एक यतीम है, दूसरे रिश्तेदार है, आपके अपने खानदान का है, अपनी बिरादरी का है, आपके आपका खून है वो, तो उसको खाना खिलाना। औ मिस्कीनन जा मतरबा, तो तुराब जो है मिट्टी को कहते हैं, तो जा मतरबा का मतलब है खाक नशीन, खाक आलूद, नादार है, बिल्कुल मिट्टी में मिला हुआ है बेचारा, ऐसा मिस्कीन है, मांगता नहीं है, खुददार है वो। ये क्या चीज है, सुन लीजिए, ये सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस है, ये अकबा है। देखिए कि इंसान इंसान जो है, फलक तहमल लकबा, इधर देखिए बात कहां से शुरू हुई थी, अरे ना शुक्रे, अरे ना शुक्रे, अरे बेवफा, क्या मैंने मैंने तुझे दो आंखें नहीं दी, क्या मैंने तुझे एक जबान दो होंठ नहीं दी, क्या मैंने तुझे खैर और शर का शऊर नहीं दिया, लेकिन तूने तो घाटी उबूर ही नहीं की, तूने हक वफादारी तो अदा ही नहीं किया, तो वो क्या है ऐ मोहम्मद आसम, क्या है वो घाटी, वो घाटी क्या है, वो फक्कु रकबा, गुलाम को आजाद करना, दुनिया को इस जो है इससे आजाद करना, स्लेवरी से। अच्छा वो किसी साहब ने फेसबुक पे लिखा है कि उनको अमेरिका की तारीख का ही नहीं पता, उनको वो लिखा है कि जी ये असल जमीन अमेरिका जो है कालों की सरजमीन, अरे भाई ये कालों की सरजमीन नहीं थी, ये नेटिव इंडियंस यहाँ पहले हुआ करते थे, जमीन तो वो नेटिव इंडियंस की भी नहीं है, जमीन तो अल्लाह की है, समझे, जमीन तो अल्लाह की है, समझे आप, और इस वहां इंडियंस थे, इसके बाद ये यूरोपियन कौमें वहां पहुंची, डच वहां पहुंचे, वहां पर स्पेनिश लोग पहुंचे, फ्रेंच पहुंचे, अंग्रेज पहुंचे, अंग्रेज ज्यादा थे, गालिब थे उनके पास, उन्होंने डच को और फ्रेंच को मार भगाया, और वो जो स्पेनिश थे उनको धकेल दिया साउथ की तरफ, वो सारे जो है वो साउथ अफ्रीका की तरफ, मेक्सिको की तरफ चले गए, और ये जो अंग्रेज थे इन्होंने इस पर कब्जा कर लिया। एक तो ये चीज, दूसरी चीज ये इसके बाद इन्होंने अफ्रीका से, आइवोरी कोस्ट से और इधर से, यानी जो वेस्टर्न अफ्रीका से लोग ले गए, तो ये गुलामों गुलामी से नजात देना बहुत बड़ी चीज, यतीमन जा मकरबा और मिस्कीनन जा मतरबा सुम्म कान मिन अल्लज़ीना आमनू व तवासौ बिस्सब्री व तवासौ बिल मरहमा। तो उसके बाद फिर ये सोशल जस्टिस के साथ क्या जरूरी है, ईमान, अल्लाह पर ईमान, कयामत पर ईमान, रसूलों पर ईमान, और फिर एक दूसरे को सब्र की नसीहत करना, और एक दूसरे को तरहुम की, मेहरबानी की, रहम की तलकीन करना, यानी यदि आप कुछ रहम खाएं, रहम खाएं, रहम खाएं, जुल्म मत करें, जुल्म मत करें। देखिए खुद खुद काबिले खुद जो है रहीम होना काफी नहीं, दूसरों को इसकी तरगीब देना है, उलाइका असहाबुल मैमना, तो ये जो है मैमना वाले लोग हैं, ये खुश नसीब लोग हैं, वल्लज़ीना कफरू भी आयातिना, जो लोग हमारी आयात को ठुकराते हैं, उसका इनकार करते हैं, हम असहाबुल मशअमा, तो ये बदकिस्मत लोग हैं, बदनसीब लोग हैं, अलैहिम नारु मुसा, तो इनके लिए ऐसी आग होगी जिसमें डाले जाएंगे, उसके बाद ऊपर से इनको बंद कर दिया जाएगा।